हेलो गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो सर गाइस, जैसे कि काफ़ी लोग की डिमांड थी कि ज्योग्राफी की एक सीरीज़ लेके आई जाए, तो ये वो वाली सीरीज़ है जिससे आपके 10 नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये सीरीज़ के ना बदले मैं सोच रहा हूँ कि 2 से 3 वीडियो के अंदर मैं सारी ज्योग्राफी कम्प्लीट करवा दूँ। और गाइस, इसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे और आपके 10 नंबर मैं गारंटी ले सकता हूँ कि 10 नंबर आपके इससे इंक्रीज़ हो जाएंगे गाइस। तो इस वीडियो को आराम से देखें और वही देखें जिसको फ़ायदा मतलब उठाना हो। ऐसा कोर्स आपको पेड़ में भी कोई नहीं पढ़ाएगा जैसे मैं पढ़ाने वाला हूँ आज, ठीक है? देखना, मज़ा आएगा। थोड़ा सा मैंने पहले सिलेबस बता देता हूँ। देखो, जिसको सिलेबस नहीं करना वो आगे स्किप करके डायरेक्ट पढ़ सकता है। देखो, इक्लिप्स ग्रहण, ठीक है, उसके आता है सन एंड प्लैनेट, उसके आता है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। देखो, इसके अंदर समर सोलस्टाइल विंटर ये ऑटम स्प्रिंग इक्विनॉक्स ये सब आते हैं। टाइम कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं सीडीएस के अंदर। एटमॉस्फेयर से बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं सीडीएस के अंदर। और जो विंड सिस्टम है यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। साइक्लोन का फिक्स क्वेश्चन है कि 1 क्वेश्चन आएगा, अर्थक्वेक का 1 क्वेश्चन आएगा, सुनामी से क्वेश्चन नहीं आते, वेल्कनो से आ जाता है 1 आधा क्वेश्चन, मैपिंग से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस आगे चलते हैं। उसका अड है हिमालय। हिमालय में देखो 1 क्वेश्चन आता है, पासिस से 1 क्वेश्चन आता है, और प्लेटू से कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता। कोस्टल प्लेन से भी कभी कभी, ये डाउटेबल क्वेश्चंस हैं। मेजर पोर्ट्स यहाँ भी डाउट है। रिवर से पक्का 1 क्वेश्चन आएगा। क्लाइमेट ऑफ इंडिया या इंडियन मानसून से 1 क्वेश्चन पक्का आता है। क्रॉप से 1 क्वेश्चन आता है। सॉइल से 1 क्वेश्चन आता है हमेशा। और रॉक्स से 1 क्वेश्चन आता है। नेशनल पार्क से 1 क्वेश्चन आता है। आगे चलते हैं। और ये क्वेश्चन तो पक्का आता है, एल नीनो ला लिनो, ये सब क्वेश्चन है जो किसी को पता नहीं है कि कैसे स्टार्टिंग करते हैं, कैसे पढ़ते हैं इसको। ये सब मैं बताऊंगा आपको, ये क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। देखो, ज्योग्राफी में स्टार्टिंग से करने से पहले तो ये पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी क्या है ये। तो देखो, जियो का मतलब होता है आपका अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। तो जब हम अर्थ की स्टडी करते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी। तो गाइस, ज्योग्राफी का मतलब है अर्थ और स्टडी। तो अर्थ की स्टडी में देखो, सबसे पहले आता है अर्थ, ठीक है। सॉरी गाइस, देखो सबसे पहले आ गया अपना अर्थ। अर्थ के बाद आता है सन, सन के बाद आती है गैलेक्सी, गैलेक्सी के बाद आती है कॉस्मोस। कॉस्मोस को हम ब्रह्मांड बोलते हैं हिंदी में, ब्रह्मांड को इंग्लिश में कॉस्मोस बोलते हैं, ठीक है। ये काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता। देखो, अब इसके बाद हाँ, यहाँ से इस वाले पेज से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आएगा कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी, और हमारे जो नियरेस्ट गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा। गाइस इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एंड्रोमेडा, ठीक है। ठीक है, हमारी क्या नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी, और जो हमारे बिल्कुल पास वाली गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा, ठीक है। आगे चले, ठीक है। हम पढ़ेंगे इक्लिप्स क्या होता है। इक्लिप्स से पहले 1-2 कॉन्सेप्ट हैं वो देख लेते हैं। देखो, लाइट ईयर क्या होता है। एक, जैसे लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3×10⁸, ये तो सभी को पता होगा। तो अगर मैं लाइट को यहाँ से छोड़ूँ, ठीक है, और समझो टॉर्च है, टॉर्च की लाइट है, तो 1 साल बाद ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, कितने बाद, 1 साल, 1 ईयर के बाद, उस वाले डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, 1 लाइट ईयर। जितना वो 1 साल के अंदर एक लाइट की स्पीड कितनी थी, 3×10⁸, जितनी वो डिस्टेंस कवर कर लेगी उसको क्या बोलेंगे, 1 लाइट ईयर। इतना समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अगली यूनिट है पारसेक। पारसेक क्या होता है, पारसेक कुछ नहीं है, ये सबसे लार्जेस्ट यूनिट है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, किसको, डिस्टेंस को, ठीक है। अब देखो, 1 पारसेक कितना होता है गाइस, पक्का क्वेश्चन आता है यहाँ से। 1 पारसेक कितना होता है, 2.6 लाइट ईयर, 2.6 लाइट ईयर, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आता है। 1 पारसेक कितना होता है, 2.6 लाइट ईयर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे इक्लिप्स क्या होता है। इक्लिप्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रहण। जैसे बोलते हैं ना, ग्रहण पड़ रहा है आज, इक्लिप्स है। तो काफ़ी बच्चों को ये सब पता नहीं होता क्या होता है इक्लिप्स। देखो गाइस, कुछ नहीं है। देखो, हमारा ये सन हो गया, डायग्राम बनाते रहना, इसकी साइड में ऑर्बिट है, इसमें कौन घूमता है, अर्थ घूमती है। यहाँ पे हो गई हमारी अर्थ, क्या हो गई, अर्थ। इसी के साइड में एक मून है, कलर डिफरेंट लेता हूँ थोड़ा सा, ये हो गया मून। तो मून किसके चारों तरफ घूमता है, अर्थ के। तो गाइस, 2 कंडीशन होती है। देखो, मैंने 2 बार मून की बना दी, 1 बार मून तो यहाँ पर आएगा, 1 बार यहाँ पर आएगा। जब भी कभी ग्रहण पड़ता है, जब भी कभी, ये तीनों एक लाइन में होते हैं, कौन, अर्थ, मून और सन,
जब भी एक ये तीनों लाइन में होते हैं, इस वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं? इस वाली पोजीशन को बोलते हैं सिजगी, SYZYGY, सिजगी। क्या बोलते हैं इसको? सिजगी। वैन सन मून अर्थ आर इन ए स्ट्रेट लाइन, इसको नोट डाउन कर लेना, वैन सन मून एंड अर्थ आर इन ए स्ट्रेट लाइन, जब ये सीधी लाइन में होते हैं तो सिजगी होता है। ठीक है, देखो अब जो ये सिजगी है इसकी दो कंडीशन हो सकती हैं। दो कंडीशन मतलब देखो, यहाँ पे सन है, ठीक है, यहाँ पे मून आ गया बीच में, यहाँ पे अर्थ आ गया, एक कंडीशन तो ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या है? यहाँ पे अर्थ आएगा, बीच में अर्थ रहेगा और बीच यहाँ पे हो गया सन, यहाँ पे हो गया मून। ये दो कंडीशन हो सकती है। कंडीशन क्या है दोबारा से देखो, कलर चेंज करता हूँ, समझ में आएगा। मतलब यहाँ पे बीच में कौन है? मून है, और यहाँ पे बीच में कौन है? अर्थ है। दोनों कंडीशन अलग है, इसी को हम अलग अलग नामों से बुलाएंगे। गाइस ध्यान से देखना, कलर लेते हैं ग्रीन, देखो इसको बोलेंगे हम सोलार। क्या बोलेंगे? सोलार एक्लिप्स। इसको सोलार एक्लिप्स क्यों बुलाएंगे हम लोग? इसको सोलार एक्लिप्स इसलिए बुलाएंगे क्योंकि जो सूरज की जो लाइट है वो अर्थ के ऊपर आ पाएगी? बताओ आप, जो सूरज लाइट मारेगा यहाँ से तो सूरज की लाइट नहीं आ पाएगी, सूरज हमको दिखाई नहीं देगा। तो जो चीज़ दिखाई नहीं देगी ना, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी का नाम दिया जाता है। जैसे यहाँ पे हमें सन दिखाई देगा, हम तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक कोई समझो कोई खड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से हमें वो सन दिखाई देगा नहीं ना, है ना। तो जब यहाँ से हम लोग सन को नहीं देख पाएंगे तो वही नाम हो जाता है सोलर एक्लिप्स। याद करने की ट्रिक टाइप मान लो या फिर आप कुछ भी मान लो, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इट इज़ ऑलवेज ए न्यू मून डे। न्यू मून, नया मून आता है यहाँ पे। क्या आता है? न्यू मून डे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो कलर चेंज करते हैं। देखो सन है, यहाँ पे अर्थ है, मतलब बीच में अर्थ है, यहाँ पे मून है। अब हमारी जो अब मून दिखाई देगा, खुद बताना, हम यहाँ से लाइट आ रही है तो इसके ऊपर परछाई पड़ेगी, परछाई मतलब ये काला हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है ना। तो मून हमको दिखाई नहीं देगा, तो इसी को क्या बोलते हैं? लूनर एक्लिप्स। हिंदी में क्या बोलेंगे? चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? सूर्य ग्रहण, ठीक है गाइस, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। क्योंकि जो चीज़ दिखाई नहीं देगी, याद रखना ट्रिक क्या है, जो चीज़ दिखाई नहीं देगी वही पड़ रहा है, वही ग्रहण पड़ रहा है या वही इक्लिप्स है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दिखाई नहीं देगा? जब हमारी इसकी अर्थ की परछाई आ जाएगी इसके ऊपर, किसके ऊपर? मून के ऊपर, क्योंकि यहाँ से लाइट आ रही है ना, यहाँ से लाइट आ रही है, इसकी परछाई पड़ेगी, अर्थ की परछाई पड़ेगी मून के ऊपर। तो अर्थ की परछाई पड़ेगी मून के ऊपर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा अंधेरा, तो लूनर एक्लिप्स, क्योंकि हमें जो चीज़ दिखाई नहीं देती वही उसका नाम होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ से सन की लाइट आ रही है यहाँ, ठीक है, मून के ऊपर, तो अर्थ हमें क्या चीज़ नहीं दिखाई देगी? बीच में क्या आ गया? मून, तो हमें सन ही दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या नाम दिया इसका? सोलर एक्लिप्स हो गया। तो जो चीज़ दिखाई नहीं देगी इंसान को, उसी ने उसका नाम वही दे दिया। जिस दिन सूर्य नहीं दिखाई देगा उस दिन सूर्य मतलब उस दिन सोलर एक्लिप्स, जिस दिन मून दिखाई नहीं देगा उस दिन लूनर एक्लिप्स। इतना आ गया सुन में। इसको क्या बोलते हैं? फुल मून डे। फुल मून डे, इस दिन पूरा चांद निकलता है, इसको बोलते हैं न्यू मून, नया नया चांद, इसको बोलते हैं पूरा चांद, ठीक है गाइस। ये याद करने की कोशिश करना। सिजगी मैंने बता दी क्या चीज़ होती है, जब तीनों लाइन में होते हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर, ठीक है। इसमें दो केस हैं, एक है सोलर एक है लूनर, दोनों कंडीशन आ गई सुन में, ठीक है। आगे चले, चलो बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होते हैं गाइस, ये इतनी जल्दी से समझ में नहीं आते, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। अब गाइस एक कॉन्सेप्ट एक है, वह है टाइड और ऐब। ये क्या है? देखो हिंदी में बोलते हैं इसे ज्वार भाटा। भाटा, ज्वार भाटा क्या होता है? ज्वार भाटा कुछ नहीं होता गाइस, जब समुद्र के आप किनारे जाओगे, जब सी के साइड में जाओगे, तो एक तो ये आती है टाइड। टाइड मतलब लहरें, इसको बोलते हैं टाइड। ऐब क्या होता है? ऐब वो होता है जब टाइड नहीं आती, जब शांति होती है, उसको क्या बोलते हैं? ऐब, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे ज्वार टाइड को, और भाटे इसको भाटा बोलेंगे। भाटा कब हो जाएगा? जब शांति रहेगी, भाटा, ठीक है। इतना के समझ में, आगे चलते हैं, क्योंकि मैं भी कुछ समझाने वाला हूँ, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया ज्वार और भाटा में अंतर क्या होता है, टाइड और ऐब में अंतर क्या होता है। देखो गाइस, ये हो गया अर्थ, ध्यान से देखना, मैंने पूरा सॉलिड अर्थ बना दिया ये,
ठीक है, इसके ऊपर मैं पानी बनाऊंगा इससे। ये देखो ये हो गया पानी का वाटर लेवल, मान लो इसके ऊपर पूरे के ऊपर पानी है, वाटर का लेवल है, समुद्र है। वैसे तो पूरा नहीं है लेकिन मानने में क्या जा रहा है कि समझ में तभी आएगा ना जब आप मान लोगे। ठीक है, अब होता क्या है, जब इसके पास आ जाएगा यहाँ पे मून, दूसरा कलर लेते हैं, यहाँ पे आ गया आपका मून आ गया, तो ये पानी को अपनी तरफ खींचेगा, ग्रेविटेशनल पुल होगा पानी का अपनी तरफ। ठीक है, तो इमेज कैसी बन जाएगी, थोड़ा सा ध्यान से देखना गाइस, इमेज कैसी बन जाएगी, थोड़ी सी छोटी इमेज बना रहा हूँ, इसी की छोटी इमेज बना रहा हूँ, देखना। ये हो गया अपना अर्थ, ठीक है, और पानी, इमेज ऐसी बन जाएगी कुछ, मतलब पानी को अपनी तरफ खींच रहा होगा ऐसे। और इस साइड भी ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि यहाँ पे क्या आ रही है, राइज हुआ है, राइज मतलब यहाँ पे टाइड आएगी इस वाले पार्ट में, मतलब इसके अर्थ वाले इस वाले पार्ट में यहाँ पे क्या आएगी, टाइड आएगी, और यहाँ पे क्या होगा, ऐब होगा। ऐब मतलब होता है गिरावट, फॉल या भाटा। आगे गए समझ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आपको समझ में नहीं आया दोबारा से वीडियो देखना, कि अगर अर्थ के साइड में पानी है उसके साइड में मून और अर्थ की जो ग्रेविटेशन पुल होती है तो उसकी वजह से पानी में खिंचाव आता है, उसकी वजह से जो राइज आता है उसे टाइड बोलते हैं, जहाँ पे पानी घटेगा वहाँ पे क्या होगा, फॉल होगा, तो उसे भाटा बोलेंगे गाइस। ठीक है, आगे समझ में, इतना समझ में आ जाना चाहिए, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है ये। अब जो मैं याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ, जो याद करने के लिए बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद करना भी है आपको। देखो अब आती है टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आता है सीडीज में, इंपॉर्टेंट है गाइस, नोट डाउन करना इसको। देखो होता क्या है कि समझो आप यहाँ पर हो अर्थ के ऊपर, अर्थ है यहाँ पे, आप खड़े हुए हो, अपने आप को मानो तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो अभी मून यहाँ पर है और आज बज रहे हैं, आपके घड़ी में टाइम हो रहा है 9, कुछ ही मान लो 52, मान लो 52 AM, ठीक है, चलो 9 मान लो यार, इतना टफ हो जाएगा वरना, तो 9 बज रहे हैं। तो कल सेम मतलब मून आपके सर के ऊपर कब आएगा, मतलब सेम 24 आवर्स के बाद किस टाइम आएगा, मतलब इसके ऊपर 24 प्लस 52 का ये टाइम पीरियड होता है गाइस, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई सेंस नहीं है। अब आपको इसके अंदर डीप जाना है तो गाइस उसके लिए टाइम लगता है पढ़ाने में, कि ये क्यों हुआ, मैं आपको समझा सकता हूँ लेकिन उसमें टाइम लगेगा। मतलब इसे आप नोट कर लो, द मून विल बी ऑन आवर हेड एट 9 AM टुडे, मतलब ये टुडे का है, तो टुमारो कल, कल कितने बजे होगा, 9:52 AM, क्यों, क्योंकि 52 मिनट का ज़्यादा हो जाता है। तो कल हमारे सर के ऊपर मून जो होगा वो किस टाइम होगा, 9:52 AM गाइस, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो मैंने कौन सा बताया, मून का बताया अभी, कि मून हमारे सर के ऊपर, फिर से मून के अंदर कितना गैप होता है, 24 घंटे 52 मिनट्स का। अब जो गैप है वो है टाइड और टाइड का, एक टाइड, जैसे एक टाइड तो आज आ गई समझो, कोई भी टाइम ले लो कि आ जाई वो, फिर वो अगली बार टाइड कितना, इस टाइड और टाइड के बीच में कितना घंटे का गैप आता है, तो ये आता है 12:26 मिनट। अब मैं पूछ लूँ आपसे, टाइड और एक ऐब में कितने घंटे का गैप आता है, तो आएगा ये 6:13 मिनट। अभी आप बोलोगे यार ये क्या हो रहा है, ये नहीं आ रहा ना समझ में, देखो अभी समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। मून टाइड एब, इसको भी बड़ा ही करता हूँ, देखो गाइस मून ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ में नहीं आएगा ना तो फिर। मैंने बताया कि अगर अभी आपके सर के ऊपर मून है 9 बजे, तो कल कितने बजे आएगा ये, 9:52 में, ठीक है, तो ये हो गया 24 घंटे 52 मिनट। गाइज ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इसके बाद
इसका आधा कर दो, 24 का आधा कितना हो गया 12, और 52 का आधा कितना हो गया 26। तो 24 घंटे मतलब एक टाइड ऐसे समझो, दिल्ली ये इंडिया है, यहाँ भी मुंबई है, मुंबई में आज टाइड आई कोई टाइम पे, कोई भी टाइम मान लो एक फिक्स, ठीक है, एक्स टाइम पे आई, तो जो अगली जो टाइड आएगी ना मुंबई में वो कब आएगी 12:26, उस एक्स टाइम में ऐड कर देना, उस टाइम आएगी, ठीक है। या आगे समझ में कि एक टाइड अब आई है यहाँ पे, तो अगली टाइड, ये टाइड का मतलब वो नहीं होता लहर, लहर तो छोटी लहर, छोटी मोटी लहर तो आती रहेंगी, जो एक टाइड आती है बड़ी टाइड, ठीक है ना, पानी एक ऊपर आ जाता है पानी का लेवल, मतलब राइज हो जाएगा पानी का लेवल, ठीक है, उसको बोलते हैं ज्वार या टाइड। अब ये वाली टाइड को टाइड में समझना, ये वाली टाइड भी टाइड ही होती है, बट पानी का लेवल बढ़ना, राइज होना, राइज इन वाटर, राइज इन वाटर लेवल इज नोन एज टाइड, ठीक है। तो अगली टाइड कितनी आएगी 12:26, जो भी एक्स टाइम होगा उसमें ऐड कर लेना। अब समझो यहाँ पे एक एक्स टाइम पे टाइड आई, तो ऐब कब आएगा, मतलब अभी तो पानी का लेवल बढ़ गया, फिर पानी का लेवल कम कब होगा, कम, ये तो बढ़ गया, कम कब होगा, तो इसमें मैंने क्या बताया, इसका आधा कर दो 6 आवर, इसका भी आधा कर दो कितना हो गया 13 मिनट, ठीक है। तो इसमें जैसे समझो यहाँ पे एक्स टाइम पे कोई भी मान लो कि समझो यहाँ पे आई है 6 बजे सुबह के टाइड, ऐसे बोलेगा कि एक टाइड एक जगह पे 6 बजे आई है, तो नेक्स्ट दिन ऐब कब आएगा उस पर, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे सीडीएस में कि इन द, ऐसे बोलेगा कि टुडे एट 6 AM टाइड अकर्स, सो ऐब विल अकर ऑन विच टाइम, ऐब कब आएगा, तो इसमें आप 6:13 जोड़ दोगे, तो मतलब 12:13 PM इस टाइम आएगी इस पर ऐब। समझ गए जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मतलब यहाँ पे वो कोई भी एक एक्स टाइम बोल देगा कोई भी, फिर आपको उसका ये वाला फाइंड करने के लिए बोलेगा, ठीक है। या तो मून का बता देगा, तो उसका नेक्स्ट डे मून कब होगा हमारे सर के ऊपर, वो वाला टाइम, मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, आगे चलूँ, ठीक है। नहीं आया तो गाइस पीछे करके देखना, पक्का आ जाएगा। तो गाइस अब टाइड भी आपकी दो टाइप की टाइड होती है, एक को बोलते हैं स्प्रिंग टाइड, एक को बोलते हैं नीप टाइड। गाइस ये सब आपको शायद आपको किसी ने पढ़ाया होगा सब इतना डीप में, लेकिन मेरे को तो बिना डीप के मजा ही नहीं आता। स्प्रिंग का मतलब होता है हाई और नीप का मतलब होता है लो, बस इतना याद रखना, इसी से आपको समझ में आ जाएगा ये कब आती है और ये कब आती है। याद रखना ये तब आती है जब 180 डिग्री बनेगा, ये याद करने की ट्रिक है, ये कब आती है जब 90 डिग्री बनेगा। अभी बताता हूँ ये क्या है, क्या डिग्री क्या बनना बता रहा हूँ मैं, देखो इसके लिए ब्लैक कलर लेंगे फटाफट। देखो जो गया अर्थ, जब अर्थ मून और सन तीनों एक ही एक्सिस में हो, मतलब 180 डिग्री बना रहे हो, या तो ऐसे हो या फिर ऐसे हो, मून और सन जब 180 डिग्री बना रहे हो तो हाई टाइड आती है। नीप टाइड कब आएगी, देखो अर्थ बीच में होगा और सन यहाँ पे होगा और मून यहाँ पे होगा और 90 डिग्री बना रहे होंगे। तो गाइस आ गया एंगल का समझ में, नीप टाइड लो टाइड कब आएगी, देखो क्यों आती है, देखो ये अपनी तरफ खींचेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लग रही। देखो ये अपनी तरफ इसको खींचेगा, पानी को खींच रहा है इसका, ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा पानी को, और इन दोनों का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो एक दूसरे को काटने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो टाइड है बहुत कम आएगी, लो आएगी इस वाले पोजिशन में अगर रहेगा, लेकिन अगर इस वाली पोजिशन में रहेगा तो पानी देखो ये भी खींच रहा है, मून भी खींच रहा है पानी और ये भी खींच रहा है, तो यहाँ पे एकदम हाई टाइड आ जाएगी बहुत ज़्यादा और यहाँ पे बिल्कुल लो हो जाएगी, समझे। तो वही वाली बात है, देखो यहाँ यहाँ पे देखो इस पानी को ये साइड खींचेगा, इस वाले पानी को ये साइड खींचेगा, तो ये यहाँ और यहाँ पे क्या आ जाएगी, हाई टाइड। गाइज अगर समझ में आ रहा है ना तो अभी लाइक कर देना अभी के अभी, क्योंकि बहुत ही ये डीप कॉन्सेप्ट है, किसी ने नहीं बता रखा इस वजह से, अभी इतना समझाना तो आई डोंट थिंक कि कोई इतना समझाता भी है यूट्यूब के ऊपर, सब बकवास करते हैं। देखो अगर गाइज देखो आगे सुन में, स्प्रिंग टाइड क्या चीज़ होती है, हाई होती है, नीप टाइड लो होती है, दो टाइप की टाइड होती है। ये कब आएगी एग्जाम में, अगर ये पूछ लें कि ये कब आएगी, तो ये मैंने आपको बताया था अगर सीधी लाइन में होते हैं वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं, सिज़गी, क्या बोलते हैं इसे, सिज़गी, याद रखना गाइज इस वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं, इस वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं,
इसको तो कोई पोजीशन का नाम नहीं दिया, लेकिन याद रखना कि 90 डिग्री या परपेंडिकुलर लिखा हुआ आ जाए तो वो नीपटाइड होती है गाइस। ठीक है, आगे सुन में। अब फैक्चुअल क्वेश्चन, ये तो हो गया कॉन्सेप्चुअल, अब आता है फैक्चुअल क्वेश्चन। इंडिया, फटाफट इंडिया का मैप बनाते हैं। तो गाइस इंडिया में ये आपने ये वाला देखा होगा, ये है गुजरात, यहाँ पे इंडिया की हाईएस्ट टाइड इन इंडिया, नोट डाउन कर लेना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और गाइस वर्ल्ड की कहाँ पे हाईएस्ट टाइड आती है, अगर मैं ये बना दूँ आपका नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया गल्फ ऑफ मैक्सिको, इस तरीके से बन गया, तो यहाँ पे है, इसको बोलते हैं बे ऑफ फंडी, क्या बोलते हैं इसे, यहाँ पे गाइस इसको नोट डाउन कर लेना, इसको बोलते हैं बे ऑफ फंडी, बे ऑफ फंडी, इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट टाइड आती है। ठीक है, याद हो गया, आगे चलते हैं गाइस। मैं मैपिंग के साथ साथ जितनी कोशिश कर सकता हूँ वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक सन एंड प्लैनेट, प्लैनेट। तो गाइस बहुत ही आसान है, देखो सोलर सिस्टम को याद करने के लिए तो वैसे तो मेरे को तो आसान ही लगता है ये, मैंने तो आज तक कोई ट्रिक से याद नहीं कराई, फिर भी मैं आपको करवा दूंगा। देखो कलर लेते हैं ब्लैक, पहला मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, उसके बाद क्या आती है, बेल्ट आती है एक, कौन सी, एस्ट्रॉयड बेल्ट, याद रखना गाइस यहाँ पे एस्ट्रॉयड बेल्ट आती है, फिर आएगा जुपिटर, फिर आता सन एस यू एन, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इस तरीके से याद है मेरे को एस यू एन, और ये मेरे को हमेशा याद रहता है कि मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है, एस्ट्रॉयड बेल्ट है, अपने को पता ही है तीसरे नंबर पे अर्थ आता है, तीसरा बच्चा अर्थ है, ठीक है, थर्ड है, इसका भाई वीनस है, जुड़वा अर्थ बोलते हैं इसको, जुड़वा अर्थ, और ये हो गया मरकरी, ये तो सभी को याद रहेगा। ठीक है, तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, मार्स, मार्स के बाद क्या आ गया, जुपिटर, जुपिटर, ये हो गया सैटर्न, एस यू एन, देखो लास्ट में क्या आ रहा है, सन, स्टार्टिंग में भी सन आ रहा है, इस तरीके से याद कर रखा है मैंने, आखिर में भी सन आ रहा है, तो ये हो गया सैटर्न, यूरेनस, यूरेनस और नेपच्यून। अब गाइस पहला क्वेश्चन जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, इनको क्या बोलते हैं और इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं इनर प्लैनेट, ये नहीं पूछेगा वो इनर प्लैनेट, ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि ये किससे बने हुए होते हैं, रॉक से, ये पूछेगा। दूसरी चीज, इनको, इनका दूसरा नाम क्या है, इनका नाम है टेरेस्टोरियल, गाइस इंपॉर्टेंट है याद करना, या तो टेरेस्टोरियल बोलेगा कि टेरेस्टोरियल प्लैनेट्स को, इनर प्लैनेट को टेरेस्टोरियल बोलते हैं, ये याद रखना है, तो फिर और बाहर वाले को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आउटर। ठीक है, ये तो सब, ये तो नॉर्मल है, लेकिन पूछेगा क्या वो, ये गैस प्लैनेट्स होते हैं, गैसेस, और ये किस, और ये कौन से होते हैं, इसे बोलते हैं जोवियंस, क्या बोलते हैं, जोवियंस, जोविन प्लैनेट्स, इनमें सभी में ऑल हैव रिंग्स, याद रखना ऑल हैव रिंग्स, सभी में रिंग्स होती हैं, इसमें भी रिंग्स होगी, इसमें भी रिंग होगी, इसमें भी रिंग होगी, इसमें भी रिंग होगी, सही में क्या होती हैं, रिंग्स होती हैं, लेकिन सैटर्न की अलग ही दिखाई देंगी, इसको थोड़ी डार्क करके बना लेना। ठीक है, हो गया, सही में रिंग्स होती हैं, सैटर्न की थोड़ी अलग दिखाई देंगी, आगे याद, आगे चलें, हो गया याद। ठीक है, चलो सीडीएस में फिक्स क्वेश्चन जो बता रहा हूँ अभी, नोट डाउन करना इसको, देखो रोटेशन, रोटेशन आता है कि कौन कैसे रोटेशन, रोटेशन मतलब कौन कैसे रोटेट करता है, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, इस तरीके से, तो अर्थ कैसे करता है इतना तो पता होगा यार, अगर अर्थ का भी नहीं पता तो यार फिर तो आप छोड़ दो सीडीएस की तैयारी करना, अर्थ का तो पता होगा कैसे घूमता है अर्थ, वेस्ट टू ईस्ट, ये तो सभी को पता होता, चलो इतना तो चलो खैर है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि कौन से उल्टे घूमते हैं हमारे जैसे, जैसे हम घूमते हैं वेस्ट टू ईस्ट, तो कौन से ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, तो कैसे याद रहेगा, जिसके पीछे नस आता हो, क्या आता हो, नस, एन यू एस, तो वो उल्टे घूमते हैं, अर्थ की तरह नहीं घूमते, वो उल्टे घूमते हैं, केवल दो ही प्लैनेट है, बताओ कौन सा, वीनस और यूरेनस, हो गया ना, इनके बाद में क्या आ रहा है, नस, तो जिनके बाद में नस आता है वो कैसे घूमते हैं, उल्टे घूमते हैं गाइस। ठीक है, हो गया, चलें आगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था गाइस, जिनके बाद में क्या आते हैं, नस आता है, नस, नस, एन यू एस, वीनस और यूरेनस, आगे चलें, आगे चलते हैं।
चलो देखो, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, अगला है नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। देखो सैटेलाइट्स की, नंबर ऑफ सैटेलाइट का सीन क्या है? सीन ही देखो ये है गाइस, कि ये पूछ लेगा कि किसकी सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है, किसकी सबसे बड़ी सैटेलाइट है। तो इसके लिए एक टेबल बना रहा हूँ, वो याद रखना। देखो इसको बना लेना आप, ठीक है? देखो पहले मरकरी, लास्ट में क्या था? पहले देखो यहाँ से देखते हैं, मरकरी, वीनस, हो गया अर्थ, उसके बाद क्या आता है? मार्स, उसके बाद क्या आता है? जुपिटर, फिर क्या आता है? SUN, सैटन, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, देखो कलर लेते हैं रेड। इसके कितने हैं? 0 सैटेलाइट। मतलब जैसे हमारी सैटेलाइट क्या है, नेचुरल सैटेलाइट मून है ना, तो कितना है? एक है ना, या लिख लो मून। ठीक है, वीनस की कितनी है? एक भी नहीं है। और मार्स की कितनी है? 2 है। जुपिटर की कितनी है? 67 है। बताओ 67 मून है जुपिटर के पास, कितने? 67। सोच रहे हो? सैटर्न के कितने हैं? 62। इसके कितने हैं? 27। इसके कितने हैं? 14। ठीक है, अब देखना गाइस कि जो मार्स है इसका एक सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट क्या है? इसके पास सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? सैटेलाइट है, सैटेलाइट, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट। और जो जुपिटर है इसके पास क्या है? लार्जेस्ट है, क्या है? लार्जेस्ट सैटेलाइट, सैटेलाइट। देखो लार्जेस्ट सैटेलाइट और स्मॉलेस्ट सैटेलाइट, गाइज इनके नाम आएंगे गाइज एग्जाम में, और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं, ये पक्का क्वेश्चन आता है, इसको नोट डाउन कर लेना। इसका नाम है डीमॉस, ठीक है? सबसे छोटा सैटेलाइट क्या है, उसका नाम क्या है? डीमॉस। पूछेगा डी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलार सिस्टम, तो क्या नाम है उसका? डीमॉस। और पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलार सिस्टम, उसका नाम है गायना मेडा। स्पेलिंग लिखता हूँ, GANYMEDE, गायना मेडा। गाइज इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करना, ठीक है? तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों याद होने चाहिए, ये आगे सुन में ये भी याद होना चाहिए। जुपिटर के पास 67 है सबसे ज़्यादा। आगे चलते हैं गाइस, तो गाइस अब जो पढ़ेंगे हम एक एक को पढ़ेंगे, एक एक मतलब पहले मरकरी को पढ़ेंगे, मरकरी मतलब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? नोट डाउन करते रहना गाइस। देखो पहला पॉइंट, स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा प्लेनेट है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट, ठीक है? दूसरा लीस्ट टाइम, लीस्ट टाइम टू रिवॉल्व अराउंड सन, सबसे कम टाइम लेता है सन के चारों तरफ घूमने में, ये रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्व, ठीक है ना? रिवॉल्यूशन नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना? देखो उसके बाद क्या है, ये जो है यहाँ पे एटमॉस्फेयर एब्सेंट होता है, ठीक है? एब्सेंट, एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से क्या चीज़ होती है, थोड़ा ध्यान से देखना गाइस। मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, ये हो गया अपना, हो गया मरकरी, मरकरी, ये हो गया अपना सन, ठीक है? तो देखो गाइस, तो ये क्या करेगा, जल्दी गर्म हो जाएगा, ठीक है? और जल्दी हीट को डिसिपेट भी कर देगा, मतलब हीट इसमें से जल्दी निकल भी जाएगी और जल्दी गर्म भी हो जाएगा। तो इसका जो डेली रेंज टेम्परेचर है ना, वो बहुत ज़्यादा है, जो इसका डेली टेम्परेचर या फिर डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर बोलो, डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर, वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा है। मतलब इसका मैक्सिमम कितना होता है और मिनिमम कितना होता है? इसका मैक्सिमम होता है +390 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? और जो इसका मिनिमम होता है वो कितना होता है? -170 डिग्री सेल्सियस। बताओ इतना ज़्यादा होता है, तो इसको टोटल करोगे इतना हो गया 560 डिग्री सेल्सियस। तो इतने डिग्री की इसमें टेम्परेचर रेंज होता है। अब इंडिया, मतलब इंडिया बोल रहा हूँ, अपने अर्थ में देखो, अपने अर्थ का क्या सीन है? अर्थ का सीन तो आपको पता ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना चला जाता है हमारे? 50 डिग्री सेल्सियस। और कम से कम कितना पहुँच जाता है? -40। मतलब हमारी जो रेंज है वो लगभग लगभग 90 की है, 100 की मान लो आप, 90 या 100 की है। इनके यहाँ देखो कितने की रेंज है, तो यहाँ पे
ये क्वेश्चन भी आ रखा है कि जो डेली रेंज ऑफ, ये डेली नहीं होता हमारे यहाँ, सॉरी सॉरी मैंने आपको ये ईयरली बता दिया, यहाँ डेली हो रहा है इतना। हमारे यहाँ डेली कितना होता है, देखो रात को अगर रहेगा दिन में, समझो गर्मियों के टाइम पे 50 है, ठीक है, तो रात को कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 20 की रेंज रहेगी हमारी। ये तो मैंने ये वो बता दिया सीजन चेंज पे, ठीक है, मतलब एक एक जगह का और दूसरी जगह का, ये तो मैंने प्लेस का बता दिया, ठीक है ना। अब लेकिन मैं एक डे का और ये वाला डे का इनका और ये नाइट का है, मैं इनमें डे और नाइट का बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इंडिया में देखो डे में अगर इतना रहा, नाइट में थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो ज़्यादा गैप नहीं होता जो डेली रेंज होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मरकरी के बाद आता है आपका अगला वीनस, ठीक है। वीनस क्या है, देखो सबसे पहली चीज़ इसको क्या क्या बुलाते हैं, इसके नाम क्या क्या है, देखो इसको बुलाते हैं ब्राइटेस्ट, ब्राइटेस्ट प्लेनेट, इसको बुलाते हैं हॉटेस्ट, ये हॉटेस्ट भी है, इसको क्या बुलाते हैं मॉर्निंग, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, दोनों इसी को बुलाते हैं गाइस, ठीक है ना। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी इसका नाम है, तो ये सब इसको बुलाते हैं। अब इसको हॉटेस्ट क्यों बुलाते हैं, इसको स्टार क्यों बुलाते हैं, इसके कई सारे रीजंस हैं। याद रखना वीनस के ऊपर ना क्या मिलती है, एक गैस मिलती है गाइस, डायग्राम बनाना याद हो जाता है, उसका नाम है सल्फ्रिक एसिड क्लाउड। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये चमकता है, ठीक है ना, तो इसीलिए इसको क्या बुलाते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, बिकॉज ऑफ सल्फरिक क्लाउड्स। तो इसकी वजह से क्या आती है, इसमें चमक आ जाती है, चमकता है, ठीक है ना। तो गाइस ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसके एक चीज़ और याद रखना कि इसका एक दिन एक ईयर से बड़ा होता है, ऐसे नोट डाउन कर लेना, एक डे ऑफ वीनस, वीनस इज ग्रेटर देन एक ईयर ऑफ वीनस। अब सोचोगे ये क्या है, ये तो पहली बार ही सुना है। देखो ये अपनी जो जगह पे ऐसे घूम रहा है ना, वो समझो इसको लगते हैं 243 डेज एक रोटेशन में, से इंडिया, इंडिया बोल रहा हूँ यार, बार बार इंडिया निकल रहा है, अर्थ को घूमने के लिए जैसे निकलता है कितना, एक दिन लगता है, कितने घंटे का होता है, 24 आवर्स के बराबर होता है एक रोटेशन लेने में, मतलब इसको एक रोटेशन लेने में कितना टाइम लगता है, 243। लेकिन हमको ये सन हो गया, हमको इसको रिवोल्यूशन में कितने करने लगता है, 365 डेज, अर्थ यहाँ पे जाके फिर ऐसे घूम के आ जाएगा तो 365 डेज लगेगा, लेकिन ये हो गया सन। अब वीनस का बता रहा हूँ, वीनस जो वीनस है अगर ये घूमेगा ना, इसको पता है कितने लगते हैं, 224 डेज, 224 डेज.6। तो इसका देखो जो इसका ये है कितना है, 243, और ये कितना है, 224.6, तो कौन सा बड़ा हो गया ये, तो इसका एक दिन बड़ा होता है एक साल से। समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट था ना, अच्छा लगा कॉन्सेप्ट, आगे चलते हैं गाइस। तो गाइस वीनस ही, वीनस का ही एक अगला पॉइंट है कि ये हॉटेस्ट प्लैनेट होता है। क्या होता है ये, हॉटेस्ट प्लैनेट, बताओ ऐसा क्यों है कि ये हॉटेस्ट प्लैनेट है, बताओ। ये इसका रीज़न ये है क्योंकि इस प्लैनेट के ऊपर, जैसे प्लैनेट है ये वीनस है, इसके ऊपर 96% क्या है, CO2, किसमें, इसके एटमॉस्फेयर में। गाइज नोट डाउन करते रहना, इसके एटमॉस्फेयर में 96% मान लो 96% होती है CO2। इसकी वजह से क्या हो जाती है, इसमें हीट ट्रैप हो जाती है, हीट ट्रैप हो जाती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि CO2 क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस। गाइज नोट डाउन करते रहना, CO2 क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस होती है, इसकी वजह से इसका टेम्परेचर, ये हॉटेस्ट प्लेनेट है। तो अगर आपसे पूछो हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो आप ये मत बताना कि मरकरी है, क्योंकि मरकरी नहीं होता हॉटेस्ट प्लैनेट। हॉटेस्ट प्लैनेट क्या है, हॉटेस्ट प्लैनेट है वीनस, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आता है अर्थ। अर्थ देखो गाइस, अर्थ को पढ़ने से पहले मैंने अभी ग्रीन हाउस का टॉपिक छेड़ ही दिया है, तो इसको कवर कर लेते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। गाइस कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस होती हैं ये नोट डाउन कर लेना अलग से, CO2 होती है, ठीक है, CH4 को मीथेन बोलते हैं या गोबर गैस बोलते हैं, या तो फिर और ही बहुत सारे नाम है इसके, अर्थ गैस, मास गैस, सबको, मतलब कोई भी गैस जहाँ से बदबू आती है ना वो मीथेन गैस होती है। मतलब दिमाग के अंदर ये चीज़ रखोगे तो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कचरे के जो ढेर में से गैस निकलती है वो भी मीथेन होती है, क्योंकि वहाँ से बदबू आती है, ठीक है ना। O3 हो गया, O3 ओजोन होती है, ये भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। और वाटर वेपर, वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस है।
बताओ, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, और क्लोरो फ्लोरोकार्बन ये तो पता ही होगा, ये तो बैन हो गई है, ये भी ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक है, अब हम अर्थ के बारे में पढ़ रहे थे, ये तो मैंने ग्रीन हाउस, ये अर्थ पे पाई जाती है इसलिए मैंने सारी ग्रीन हाउस बता दी आपको। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखो हाँ, अर्थ का ये हो गया एक्सेस, लेकिन अर्थ इस एक्सेस पे नहीं है, कलर चेंज करते हैं। अर्थ का जो एक्सेस है वो टिल्टेड है, टिल्टेड है इतना, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री, मतलब अर्थ यहाँ पे नहीं घूमती है, अर्थ ऐसे घूमती है यहाँ पे, मतलब ये इसका एक्सेस है अर्थ का, अर्थ ऐसे घूम रही है। ठीक है ना गाइस, समझ में आ रहा है? ठीक है, पहली चीज कि अर्थ का एक्सेस ये हो गया, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि एक्सेस एक्सेस। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अर्थ का शेप कैसा होता है बताओ? जियोइड शेप होता है। क्या, कौन सा शेप होता है? जियोइड। जियोइड क्या होता है? अंडाकार। अंडाकार मतलब ऐसा बना लेना कहीं, ऐसा ही है असलित में। तो आप एक्सेस तो पता चल गया आपको, एक्सेस क्या होता है, तो यहाँ पे इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा होता है, रेडियस ऑफ इक्वेटर और रेडियस ऑफ पोल, तो रेडियस ऑफ इक्वेटर ज़्यादा होगा रेडियस ऑफ पोल से, रेडियस ऑफ पोल। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं। अब गाइस दो कंडीशन है, जैसे कि सन है यहाँ पे, मैं अर्थ अर्थ ही पूरा पढ़ाऊंगा, देखो अब ध्यान से देखना अर्थ को, इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये इलेप्टिकल पाथ है, ठीक है ना, ये जो पाथ है ये इलेप्टिकल पाथ है। ठीक है, और जो सन है एक फोकस पे बना है, मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ एक बार, थोड़ा गलत बन गया है। तो जो सन है वो इस यहाँ पे मानो एक फोकस होता है, जो भी कोई इलेप्टिकल पाथ, देखो एक सेकंड रुको, यहाँ पे देखो जो भी कोई इलेप्टिकल पाथ होता है ना, जो भी इलेप्टिकल होता है, तो उसके दो फोकस होते हैं, एक होता है F1, एक होता है F2। ये मैथ्स का पार्ट है, तो आप बस इतना याद रखना कि कोई भी एक इलेप्टिकल पाथ होता है तो उसके दो फोकस होते हैं, F1 और F2। तो एक फोकस के ऊपर क्या रखा हुआ है? सन रखा हुआ है एक फोकस के ऊपर। तो जब हमारी अर्थ अर्थ देखो, जब हमारी अर्थ यहाँ पे होगी, ये रही हमारी अर्थ, ठीक है, और एक एक जगह हमारी अर्थ यहाँ पर, ये रही अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है? कम है। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है? ज़्यादा है। तो गाइस ये डिस्टेंस अगर आपको याद करनी है तो आप याद कर सकते हैं, 152 मिलियन किलोमीटर, ये है 149 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, नोट डाउन कर लेना इसको। देखो पी से पास, ये पास है ना, तो इसको याद क्या हो गया? पी से पास, पी से क्या हो गया? पास, पास पास में है ना ये दोनों, है ना, तो इसको बोलेंगे पेरिहीलियन। गाइज नोट डाउन करते ना, मैं ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, मैं इस बात की भी गारंटी ले सकता हूँ वैसे तो, लेकिन अगर आपको आपको मेरे से अच्छा लग रहा है कोई पढ़ा रहा है तो आप उसको जाके देखें। देखो पी, पी तो पास में है इसलिए इसको क्या बोलिए? पेरिहीलियन। ये दूर है तो इसका नाम हो गया एपी हीलियन। अब बोलोगे इसकी क्या ट्रिक है यार, एक ही तो ट्रिक, एक ही तो याद करना है हमें, अब दूसरा वाला तो अपने आप याद हो जाएगा ना, हमने ये वाला याद कर लिया, पी से पास, पी से पेरिहीलियन। ये कब आता है? अब देखो ये कब आता है, सबसे स्टार्टिंग में कौन सी डेट डेट आती है? जनवरी आती है ना। देखो कभी भी तीन लोग पास में, तीन लोग पास में रहते हैं, हमेशा ऐसे याद रख लो, तीन लोग, तीन लोग, क्योंकि जनवरी में क्या रहती है? ठंडी रहती है ना, खासकर नॉर्थ इंडिया में, तो जनवरी में रहती है ठंड, तो तीन लोग पास में रहते हैं और पेरिहीलियन उसकी जगह का नाम। तो एक चीज याद कर लो, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी, इसको चार कर दो यहाँ पे और जुलाई कर दो। ठीक है, ये डेट्स याद रखनी है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सीडीएस में क्वेश्चन आता है कि जो पास वाली, मतलब पेरिहीलियंस कब होती है, एपिहीलियंस कब होती है, क्या डेट है उसकी, गाइस पक्का क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है गाइस, आगे चलें, आगे चलते हैं। अब आता है अगला मार्स, ये चौथा वो है प्लेनेट, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? रेड प्लेनेट। गाइस नोट डाउन करते रहना, इसको बोलते हैं रेड प्लेनेट। इसको रेड प्लेनेट क्यों बोलते हैं बताओ? क्योंकि यहाँ पे आयरन, आयरन ऑक्साइड, क्या आयरन ऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा हो मिलता है, इसलिए। आयरन ऑक्साइड होता क्या है यार, हिंदी में बोलूँ ना, हिंदी में इसको बोलते हैं जंक। जंक मतलब समझे आप, जंक मतलब होता है रस्ट, रस्ट जो लोहे के ऊपर लगता है उसको जंक बोलते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला, जंक कब लगता है या रस्ट कब लगता है? जब वहाँ पे पानी हो और ऑक्सीजन हो। तो इसलिए ही तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि यहाँ पे मार्स पे पानी है, पानी है, पानी है। देखो कॉन्सेप्ट आप समझें,
इसके पीछे वैसे तो कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जहां पे जंग लगेगा वहां पानी होगा, पानी और ऑक्सीजन होगी। तो इसलिए तो साइंटिस्ट दावा करते हैं कि मार्स पे पानी पाया गया, मार्स के ऊपर ऑक्सीजन भी होगी, क्योंकि तभी जंग लगेगा, है ना। तो ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, ये किसी को नहीं पता, बस सब बोलते रहेंगे ये वहां पाया गया, ये पाया गया। कॉन्सेप्ट एक बार याद हो गया ना, बस भूलोगे नहीं। अब मार्स का ही आप बोलेगा कोई कि मार्स के ऊपर पानी है, तो आप बोलोगे हाँ भाई पानी होगा, क्योंकि वहां रस रहता है। रस क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। आयरन ऑक्साइड क्यों होता है? क्योंकि उसको रेड प्लेनेट बोलते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा रेड प्लेनेट का, तो बस ये तो बाहर से आ गया गाइस। ये तो एक सिमिलरिटी हुई है, मतलब एक क्या कि वहां पे रस्ट मिलता है। दूसरी चीज, यहाँ का एक दिन भी 24 घंटे के बराबर होता है, 24 घंटे इक्वल टू 1 डे, ठीक है। और गाइस इसके वजह से तीसरी चीज, एक चीज याद रखना है, इस पर एक मॉम मिशन गया था, MOM। इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर अक्षय कुमार ने पिक्चर बनाई थी वाली, कौन सी आई थी वो याद नहीं आ रहा, ऐसी कुछ नाम का था उसका, मार्स। इसका फुल फॉर्म बता रहा हूँ मैं, मॉम का, मार्स ऑर्बिटल मिशन या ऑर्बिट मिशन, ठीक है मॉम, ठीक है। आगे चले, इस बस मार्स के बारे में इतना याद करना है आपको, ठीक है। और एक चीज़ और, इसका जो एक्सिस है ना, इसका भी सेम एक्सिस है, मतलब टिल्टेड है। हमारा कितना था? 23.5, मार्स का है 25 डिग्री, मतलब काफ़ी हद तक सिमिलरिटीज़ हैं। दिख रही है सिमिलरिटी? हमारी कितनी थी? 23.5। पेन चेंज करते हैं, हमारा कितना था? 23.5, इनका कितना है? 25 है। तो इसलिए हम दावा करते हैं कि भाई यहाँ पे पानी होगा, ऑक्सीजन होगा, रस्ट है, डे भी बराबर है, और इसका एक्सेस भी लगभग लगभग बराबर सही है ना। तो इसलिए हम काफ़ी सारे दावे करते हैं साइंटिस्ट। आगे चलते हैं, अब आता है जुपिटर। जुपिटर ठीक है, जुपिटर के बारे में कौन कौन से पॉइंट नोट डाउन करने हैं। सबसे पहली बात, ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट प्लेनेट, ठीक है गाइस। देखो आपको ना छोटे छोटे नोट्स बना लो, कोई टाइम लगेगा, कोई टाइम नहीं लगेगा, फटाफट बना लो ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये दूसरी चीज़, कितना बड़ा है? जब लार्जेस्ट है तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए ना, लगभग 1300 टाइम्स इंटू अर्थ, मतलब जितना अर्थ का साइज है उससे इतना बड़ा है ये, ठीक है। तो आप अंदाज़ लगा लो कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा है। इसको हम लोग सेमी स्टार नाम से भी जानते हैं, सेमी स्टार। इसको हम लोग सेमी स्टार क्यों बोलते हैं? हम लोग इसको सेमी स्टार इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे H2 पाया जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे पाया जाता है, इसलिए हम इसको सेमी स्टार बोल देते हैं, ठीक है। इसका कंपोजिशन जो है वो H2 से मिलके बना, इसलिए, ठीक है। और एक और पॉइंट है इसका, कि इसका जो एक रोटेशन बोल लो या एक दिन बोल लो, क्योंकि या एक डे बोल लो, इसका कितने का होता है? 10 घंटे का, 10 आवर्स। तो आपको तो लगा कि 10 घंटे में एक पूरा चक्कर काट लेता है, मतलब ऐसे अपने जगह पे रोटेट कर लेता है। तो आपको ये क्या पता चला, इसकी मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रोटेशन, ठीक है गाइस। तो इसकी रोटेशन बहुत तेज है, मतलब अपनी जगह पे फटाफट फटाफट घूम लेता है 10 घंटे के अंदर। बताओ, हम लोग तो 24 घंटे में घूम रहे हैं एक बार, मतलब हमारा 24 घंटे का दिन है अर्थ का, इसका कितने का है? 10 घंटे का, बताओ बस। और इतना बड़ा है हमसे, तब भी इतनी तेज घूम रहा है, तो सोचो कितनी तेज घूम रहा होगा, है ना। थोड़ा इमेजिन किया करो, तभी ये सब याद होता है। आगे चलते हैं, अब आता है सैटर्न। देखो सैटर्न 7 SR है ना, एस ऐसे याद रख लो, 7। इसकी कितनी रिंग्स हैं? 7, ऐसे याद कर रखा मैंने, S4 7, मतलब 7 याद कर लो यार हिंदी में, ठीक है ना। मतलब ट्रिक है यार, S4 7, मतलब हो जाएगा ना, बस इसकी 7 रिंग होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी 7 रिंग होगी पहला, ठीक है ना। ये किसकी होती हैं रिंग्स? जो रिंग्स होती हैं, ठीक है ना, वो किस चीज़ की बनी होती हैं? डस्ट की प्लस गैसेस की। ये भी क्वेश्चन आ रखा है एक बार, कि जो रिंग्स होती हैं वो किसकी होती हैं? डस्ट और गैसेस की, ठीक है। और ये मतलब लास्ट प्लेनेट है, लास्ट प्लेनेट कैन बी सीन विद नेकेड आइज, मतलब
इसको विदाउट एनी इक्विपमेंट हम लोग मतलब अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं इन स्काई, नेकेड आईज इन स्काई। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है यूरेनस। एक तो मैंने बताया था वीनस और यूरेनस उल्टे घूमते हैं, है ना, ये तो नस वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने पहले ही बता दिया। बस यार इसमें एक चीज़ और याद रखना, जो यूरेनस है ना ये, इसको लाइंग प्लैनेट बोलते हैं। लाइंग का मतलब क्या होता है? लाइंग प्लैनेट, लाइंग का मतलब होता है लेटा हुआ। जैसे अर्थ का एक्सेस, ये अर्थ है ठीक है ना, अर्थ खड़ी घूम रही है, इसका एक्सेस पता है कहाँ है? इसका एक्सेस ऐसे है, ये ऐसे घूमता है लेट कर, तो ऐसा लगेगा कि लट्टू की तरह लटकता जा रहा है, मतलब घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है ऐसे ऐसे, ये ऐसे घूमता है, हम ऐसे घूमते हैं, ये ऐसे घूमता है ऐसे इस वाले एक्सेस पे, समझ पाए आप? तो ये इसको बोलते हैं लाइंग प्लैनेट, लाइंग मतलब लेटा हुआ, बस इसके बारे में यही है इसका। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि लाइंग प्लैनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसका एक्सेस ऐसे, अर्थ का एक्सेस क्या था, ये था 23.5 डिग्री टिल्टेड था, तो इसका एक्सेस कितना टिल्टेड है? 90 डिग्री, क्योंकि इसका एक्सेस तो यहाँ पर है ना, ये ऐसे घूम रहा है ना, समझा आप मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसका एक्सेस पूछ रखा है एक बार सीडेस के अंदर कि कौन सा है ऐसा प्लेनेट है जो जो लाइंग प्लेनेट है, लाइंग मतलब लेटा हुआ। गाइस समझ में आ रहा है ना, तो लाइक कर देना, पूरी वीडियो देखोगे ना कोई तो मैं गारंटी बता रहा हूँ फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होने का। आके बोलेगा कि भाई हाँ, कि जो भी सर आपने पढ़ाया था एग्जाम में आया, मज़ा आया, राहुल गांधी की तरह, ठीक है ना, तो आपको मज़ा आना चाहिए, है ना। अब चलते हैं हम आगे, ये वाला टॉपिक खत्म हो गया हमारा, अब पढ़ेंगे हम लेटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स ये सब, ठीक है, आगे चलते हैं। देखो गाइस, आधे बच्चों को तो ये नहीं पता होता कि लेटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में क्या अंतर होता है। देखो इसको मैं बहुत आसानी से याद कर रखा है, या फिर मेरा जो कॉन्सेप्ट है, देखो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, लेटिट्यूड, लेटी लेटी मतलब जो लेटी हुई हैं, पट मतलब ऐसे पट हैं, एक ऐसे जो पट हैं, पट मतलब लेटी हुई हैं, लेटी यार हिंदी का वर्ड दे दिया इन्होंने, जो लेटी हुई हैं उनको लेटिट्यूड कहा जाता है, हो गया याद, बस जो खड़ी हुई उन्हें लॉन्गिट्यूड कहा जाता है ऐसे, ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है ना। अब गाइज ये क्यों बनाई है, ये आदमी ने खुद ने, ये दोनों इमेजिनरी लाइंस हैं, ऐसा नहीं है कि अर्थ के ऊपर ऐसे ऐसे हमने खुद ने ये लाइन बना दी पेन से लेके, नहीं ये इमेजिनरी लाइन है इंसान की उसके लिए, ताकि इजीनेस हो जाए पढ़ाई के अंदर, ठीक है ना। ये किस काम आती है याद रखना गाइस, ये टाइम को कैलकुलेट करती है सिर्फ और सिर्फ, किसको, टाइम को, और जो ये है ये सीजन चेंज को। गाइस बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है कि सीजन चेंज किससे पढ़ा जाता है, लेटिट्यूड से या लॉन्गिट्यूड से, तो गाइस याद रखना सीजन चेंज किससे पढ़ा जाता है, लेटिट्यूड, लेटी लेटी लेटी, ठीक है, और जो लॉन्गी है वो टाइम है, ठीक है। अब मैं आपको इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा देखना एकदम चुटकियों में याद होता चला जाएगा। नेक्स्ट पेज में अच्छे से डायग्राम बनाते हैं एक, ये देखो गाइस, पहले मैं लेटिट्यूड्स पढ़ा रहा हूँ मतलब सीजन वाली, ठीक है, सीजन चेंज का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखना। जो बीच में से जा रही है ना, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, 0 डिग्री, इक्वेटर, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ से जा रही है ऐसे, इसको क्या नाम दे दिया हमने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ऊपर है तो नॉर्थ, नीचे है तो साउथ, इस साइड वाले को साउथ बोलेंगे, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, नॉर्थ बोलेंगे। एक और यहाँ से जा रही है, इसको बोलेंगे 66.5 नॉर्थ, और यहाँ पे हो गया 90 डिग्री, ऐसी नीचे पर है, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, फटाफट 2x पे देखना गाइस आप, 66.5। एक लड़का बोल रहा था आपने तो सबको झिल्ला झिल्ला के 2x वाली स्कीम बता दी, यार ये स्कीम नहीं है, बच्चों का फ़ायदा होना चाहिए बस, अपने को क्या है। देखो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ठीक है। अब क्या बताना, देखो इंडिया कहाँ पर है, सबसे पहली बात इंडिया कहाँ पर है, इंडिया यहाँ पर है, ऐसे अपने माइंड के अंदर इमेज मत बनाओ, अपनी कॉपी के अंदर इमेज बनाओ, एक ही बार हमेशा के लिए याद रहेगा इंडिया यहाँ पर है। इंडिया को गाइस मैं ऐसे बनाता हूँ कि इंडिया का जो शेप है इस तरीके से है, अगर एग्जैक्टली मैप बनाया जाए तो इस तरीके से इंडिया बनता है, लेकिन इंडिया को मैं ऐसे बना दूंगा काइट की तरह, आसानी होती है ना पढ़ने में, देखो बार बार ऐसे एकदम एग्जैक्ट मैप थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना भारत, जिंदाबाद, ठीक है। अब देखना गाइस, जो हमारा जो सन है ना, सॉरी सॉरी गाइस,
देखो मैं क्या बोल रहा था कि जो हमारा जो सन है ना, मतलब हमारा जो सन अर्थ है वो टिल्ट करता रहता है। जैसे हमारा अर्थ है ये, और ये सन है इसके साइड में, यहाँ पे सन मान लो सन है, तो हम इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं ऐसे ऐसे। अच्छा से डायग्राम बनाता हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगी। देखो नेक्स्ट पेज में अच्छे से बता देता हूँ एक ही बार। ये हो गया सन हमारा, जिसका पाथ हो गया इलेप्टिकल पाथ, जो हो गया हमारा अर्थ। तो गाइस आपको एक चीज़ याद रखने, देखो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। गाइस ध्यान से देखना, ये डायग्राम आपने कई बार देखा होगा लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या बना रखा है, ये क्या बकवास है, मैं समझाऊंगा आज आपको। गाइस अभी देखो यहाँ पे कौन सा पार्ट ऊपर है, मतलब सन के पास कहाँ कहाँ कौन सा पार्ट है, मतलब ऊपर कौन सा है, नॉर्थ है। यहाँ पे दोनों बराबर सा है, मतलब बीच में आ रहा होगा, एकदम बीच में आएगी, मिडिल में। यहाँ पे साउथ वाला पास में, यहाँ पे कौन सा पास में, फिर से मिडिल में आ रहा है, दोनों के पास, दोनों पास में, ठीक है। तो जब नॉर्थ वाला पास पास में है तो उसको क्या नाम देंगे, जब दोनों मिडिल में उसको क्या नाम देंगे, जब साउथ वाला पास में उसको क्या नाम देंगे, जब दोनों फिर से आ गए तो उसको क्या नाम देंगे। तो इनके चार नाम दे दिए हमने, तो इन्हीं को समर सोलस्टाइल, विंटर सोलस्टाइल, ऑटम इक्विनॉक्स, इनको नाम दे दिया, ठीक है गाइस। तो इन्हीं के नाम दे दिए, तो अभी मैं इसी को मतलब डायग्राम में बताऊंगा, जो पहले जो डायग्राम बनाया था उसके अंदर, कि ये हो क्या रहा है। देखो मतलब जो सन यहाँ पे होगा, मैंने बताया था ना एक टाइम, जो पहला वाला फिगर था सन नॉर्थन हेमिस्फीयर में था, मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर के पास था नहीं, मतलब इमेजिन करो कि यहाँ पर है सन, ठीक है। उसके बाद सन कहाँ चला गया, मिडिल में। गाइस ऐसा ही डायग्राम बनाना, याद रहेगा। उसके बाद सन कहाँ चला गया, यहाँ पे साउथ में। फिर से सन कहाँ आ गया, फिर से सन यहाँ यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर से सन कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। तो गाइस ये साइकिल बन गई, देखा आपने, एक साइकिल कंप्लीट हो गई। पहले नॉर्थ में था, फिर इक्वेटर पे आ गया, फिर साउथ में चला गया, फिर से इक्वेटर पे आ गया, देखा एक साइकिल बन गई है ना। तो अब हम इनकी डेट याद रखेंगे गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ना याद करना ही पड़ेगा ये आपको, थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा कलर लूँ इसको मैं, ये लेते हैं, चमकेगा। देखो ये हो गया 21, ठीक है, 21 जून को जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है। सॉरी इसके नाम बताना भूल गया आपको, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। तो 21 जून को कहाँ पे होगा सन, यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद जून, अब इसमें तीन तीन महीने जोड़ो, जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो अगला सितंबर महीना होगा। सितंबर में 3 महीने जोड़ो, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। गाइज ये याद करवा रहा हूँ मैं, परमानेंट परमानेंट कमीशन होता है ना वैसे ही। तो पहला हो गया जून, उसके बाद 3 महीने जोड़ो सितंबर, 3 महीने जोड़ो दिसंबर, दिसंबर में 3 महीने जोड़ो, क्या हो गया मार्च। अगर किसी ने बताया हो ना ऐसे तो कमेंट करके बताना कि भाई किसने बताया, देखता हूँ किसने बताया। 21, अब तारीख याद करनी है हमें, 21 जून, ठीक है। 21 के बाद यहाँ पे रख दो 22, 22 दिसंबर, यहाँ पे भी 21 रख दो, 21 मार्च, और बीच में रख दो 23। अब बोलोगे यार ये क्या चीज़ है, ये कैसे याद करवा दिया आपने, ये क्या चीज़ करी। गाइस मैंने जो पहले डायग्राम बनाया था, हाँ कहाँ चला गया वो, ये वाला, मतलब 21 जून को ये वाला सीन रहेगा कि जब सन मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पास में होगा, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बताया था मैंने, 23 सितंबर, 23 सितंबर को ये सीन होगा कि बी इक्वेटर पे होगा, ठीक है। उसके बाद फिर जब साउथर्न में होगा, तो मैंने क्या बताया था, 22 दिसंबर। फिर ये वाला जब बताया था, इसको क्या नाम दिया मैंने, 21, मतलब डेट क्या दी, 21 मार्च। अब गाइस ये जो डेट है ये यूनिवर्सल है, ठीक है, फिक्स है ये डेट। अब बोलोगे ये रटनी पड़ेंगी, हाँ ये रटनी पड़ेंगी, इसका कोई इलाज नहीं है। अब बोलोगे कि रटवा दो, चलो तो रटवा देते हैं। देखो 3 लाइन याद रखनी है, कैंसर कैंसर, एक हो गई इक्वेटर, एक हो गई कैप्रिकॉन, इतना तो याद रहेगा, ठीक है। देखें जून, जून से स्टार्ट करनी है, इतना तो यार कोई नहीं बोलेगा कि जून से स्टार्ट करनी है, क्योंकि जून में इंडिया में गर्मियाँ टाइप रहती हैं, क्योंकि सन यहाँ पे होता है,
इतना तो कोई भूल जाए तो फिर मैं नाम बदल दूँ। जून में 3 महीने जोड़ो, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर से 3 महीने जोड़े हमने, प्लस 3 कर रहे हैं हम लोग गाइस, ठीक है, प्लस 3, तो ये बन गया, इसमें ये बन गया, फिर से प्लस 3 करो, कितना बन गया, मार्च, मार्च में प्लस 3 करो तो बन जाएगा जून, इतना तो आ गया समझ में, ठीक है। अब करते हैं कलर चेंज, देखना गाइस, यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे भी लिख दिया 2, यहाँ पे भी लिख दिया 2, और यहाँ पे भी लिख दिया 2। गाइस जिसको याद नहीं करना तो वो याद ना करे, जिसको याद करना है तो वो याद करे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि रटवा रहे हो, रटना पड़ेगा भाई, कॉन्सेप्ट एक दिन में, अब तुम्हें एक दिन में कॉन्सेप्ट भी दे दूँ मैं सारे के सारे। तो यहाँ पे लिख दो 1, ठीक है, 2 के आगे का लिख दिया हमने 1, ठीक है, यहाँ पे लिख दो 1, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने 2, और यहाँ पे लिख दिया 3। तो हमें इनडायरेक्टली याद क्या करना है, हमें सिर्फ ये याद करना है, 1 1 2 3, सिर्फ मेरे को ये याद रहता है। मैं कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है मैं सीधा ये लिखता हूँ 1 1 2 3, और मेरे को क्योंकि सारी डेट याद हो जाती है अपने आप, मेरे से कोई भी कुछ भी पूछ ले, ठीक है, ऐसे 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 होने चाहिए, ऐसे होती है पढ़ाई। मतलब एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम अपनी ट्रिक्स बना के लेके जा रहे हो और कॉपी में लिखी और हो गया क्वेश्चन। अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये इंडिया में समर होता है तो इसको क्या बोलेंगे, इस स्टेट को बोलेंगे हम समर, समर सोलस्टाइस, ठीक है। इस दिन इंडिया में क्या होता है, विंटर होता है, इसको क्या बोलेंगे हम, विंटर सोलस्टाइस। मतलब इतना आसान है, देख रहे हो आप, मतलब इंडिया के हिसाब से इसमें समर हो गया, इसमें विंटर हो गया, है ना। याद करने के हमें मतलब ये तो याद नहीं करने पड़ते, ये तो आसान है क्योंकि हमें पता है जून में गर्मी पड़ती है, दिसंबर में पड़ती है ठंड, खासकर नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब जो सितंबर वाला है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं ऑटम इक्विनॉक्स, ऑटम इक्विनॉक्स, यहाँ पे यू आएगा, सॉरी गाइस, इक्विनॉक्स, ठीक है। और ये वाला जो चीज़ है इसको क्या बोलेंगे, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ठीक है। तो गाइज ये दोनों ही आपको याद रखने हैं, ठीक है, एक तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स, दोनों दोनों नहीं मतलब चारों याद हो गए होंगे। देखो अब मैं एक बार उस वाले डायग्राम पे बता देता हूँ, ये वाला डायग्राम हर जगह देखा होगा, आज तक समझ भी नहीं आया होगा ना, अब आएगा समझ में। तो इसको क्या बोलते हैं, मैंने बता देता, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ में समर होगा तो यहाँ पे समर बोलेंगे इसको, यहाँ पे इसको विंटर बोलेंगे, सितंबर में क्या बोलेंगे, ऑटम इक्विनॉक्स, और यहाँ पे बोलेंगे स्प्रिंग इक्विनॉक्स। बस हो गया चारों, बस यही चार, यहीं से आता है क्वेश्चन घुमा फिरा के, ठीक है गाइस। अब एक चीज़, लास्ट चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कॉजेज, ये क्वेश्चन पक्का आता भी है, कॉजेज ऑफ सीजन चेंज, सीजन चेंज क्यों होता है बताओ। पहला है अर्थ का एक्सिस जो 23.5 डिग्री टिल्टेड है, ठीक है, और दूसरा रीज़न क्या है बताओ, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन, ठीक है, मतलब कि सन के चारों तरफ हम लोग घूमते हैं ना, ये अर्थ है, यही दो ही कारण है। रोटेशन नहीं है गाइस, रोटेशन मतलब है अपनी जगह पे घूमना, अपनी जगह से सीजन चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। दो रीज़न है, एक तो अर्थ का एक्सिस टिल्टेड है, दूसरा कि अर्थ रिवॉल्व करता है। दोनों रीज़न डायग्रामेटिकली मतलब बना लो, लिखोगे ना कि द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड 23.5 डिग्री एंगल, घंटा याद नहीं रहेगा एग्जाम में। इमेज, माइंड हमेशा इमेजेस में याद करता है, हमेशा मैं तो इमेज बना के याद करता हूँ, पता नहीं आप कैसे करते हो, इमेज बनाओ, खत्म, फंडा खत्म, ठीक है। आगे चलते हैं गाइस, अब टाइम जोन के क्वेश्चन बच रहे हैं, टाइम जोन करवाऊँ, सोच रहा हूँ अगली वीडियो, क्योंकि बहुत लंबी हो गई यार ये वीडियो चलो कोई नहीं, देखो करो, जो देखेगा उसको फ़ायदा होगा, मेरा तो बस फ़र्ज़ है। टाइम जोन, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम कैलकुलेशन, टाइम कैलकुलेशन से क्वेश्चन आते हैं। देखो गाइस होता क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना है, एक ही बार में सब कुछ आ जाएगा समझ में। ये अपना अर्थ है, हमने क्या सोचा कि भाई जो एक लाइन बना देते हैं 0 डिग्री, ठीक है, इसके पीछे जो लाइन जा रही होगी वो कितनी होगी, 180 डिग्री, और जो अब देखना ये इन्होंने ऐसे बना दी है, ऐसे,
गाइस सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, मेरे को ये पता है कि यहाँ पे डिस्टेंस ये कितनी होती है, ये सब बताने का टाइम नहीं है, और ये फालतू की बकवास आती भी नहीं एग्जाम में, जो एग्जाम में आएगा सिर्फ वो बताऊंगा, फास्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको ये पता चलेगा अगर मैं इसको एक पेज पर बना दूँ ऐसे, देखो ऐसे इसको मैं खोल दूँ, मतलब ये पूरा सर्किल है इसको मैंने खोल दिया ऐसे करके, तो यहाँ पर क्या हो गया 0 डिग्री, इसके पीछे कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इतना तो पता चल गया। तो इस यहाँ पे क्या होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे चलते चलते यहाँ पे कितना होगा 179 डिग्री। हमने तो वहाँ तो मतलब हमने क्या लैटिट्यूड्स पढ़े थे, तो हमने नॉर्थ और साउथ बोल दिया था सर्कल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे ईस्ट और वेस्ट, तो यहाँ पे जो लास्ट होगा वो कितना होगा 179 डिग्री वेस्ट, ठीक है। ऐसे ही इस साइड वाला, इस साइड वाला। अब फिर से क्वेश्चन मेरा ये, इंडिया यहाँ आएगा कि यहाँ पे आएगा, इंडिया यहाँ आएगा, ठीक है। तो इंडिया कहाँ पे आता है, नॉर्थ में और ईस्ट में, इतना तो याद कर लो यार, भारत का तो पढ़ ही लो, बाद में मैपिंग दूसरी पढ़ लेना, पहले भारत भारत का तो करना ही चाहिए ना, है ना। तो अब इतने इतना तो पता गया, ये कितनी लाइंस हैं, देखो 170 डिग्री तो ये हो गई इस साइड वाली, 170 डिग्री ये हो गई, ठीक है, और एक हो गई 0 डिग्री, एक हो गई 180 डिग्री, तो इन इनको मतलब ये एक एक हो गई ना, एक ही हो गई और एक ही हो गई, तो इन तीनों का चारों का सम करो कितनी हो गई 360 डिग्री, ठीक है। इतना तो पता चल गया कि हमारे पास टोटल टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितनी है, 360 है, कितनी है 360, ठीक है गाइस। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, आगे चलते हैं। अब हमें एक चीज़ पता लगेगा कि 360 है, ठीक है, और हमारा 24 घंटे का एक घंटा होता, मतलब एक दिन होता है, ये 1 डे हो गया, 1 डे। अगर मैं इसमें मिनट निकालूँ तो इसको 60 से इंटू कर दूंगा, तो कितनी हो जाएंगी 1440 मिनट, इतनी मिनट हो जाएंगी गाइस। अगर किसी को नहीं आ रहा समझ में तो कैसे बताऊँ, इतनी बेसिक बेसिक सी नहीं, मैंने सिर्फ मिनट से इंटू कर दिया गाइस, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ गई, तो हमें पता है 360 है, तो 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है हमें, तो मैं क्या करूँगा 1400 को, 1440 को 360 से डिवाइड कर दूंगा, तो हमें ये पता चल जाएगा जो 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री किसके बराबर है, वो 4 मिनट के, यहाँ से ही रिजल्ट आ जाएगा। और अगर नहीं याद हो रहा तो सिर्फ याद कर लो, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा तो याद कर लो, जिसको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है। जिसको 15 डिग्री कितने के हो जाएंगे, 1 के, क्यों, 4 पंजे मतलब 4 15 60, ठीक है, 1 घंटा, मतलब 60 मिनट्स बोलोगे तो 1 घंटा हो जाएगा, ठीक है, हो गया। तो बस इतना याद होना चाहिए, और कुछ ज़रूरत भी नहीं है याद करने की, ठीक है। अब जो यहाँ से गाइज न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मेरे को अपलोड करने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं इसको यहीं पे ही ख़त्म करता हूँ, अगली वीडियो जाएगी जल्द आएगी, और इसको ज्योग्राफी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे जितना हो सकता है, ठीक है। थैंक यू गाइज, लाइक कर देना वीडियो को यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, एक लाइक तो बनता है, इतने सारे बच्चे हज़ार हज़ार, अब तो जो साइंस वाली वीडियोस पे 1K व्यू आए हैं, कल देखा था मैंने उस पर, तो 1K व्यू आए हैं उस पर, तो अब 1K उस पर लाइक लाइक नहीं है, केवल 150 ही बच्चों ने लाइक करा है। तो गाइज लाइक करके जाना, एक लाइक से, और एक सब्सक्राइब और एक कमेंट, कि अच्छा लगा गंदा लगा जैसा भी लगा बता के जरूर जाना गाइज, ठीक है, थैंक यू। हे गाइज वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो जैसा कि आप सबको पता है, फास्ट ट्रैक कोर्स चल रहा है, या सीरीज़ बोल लो आप इसको, कुछ भी बोल लो, कंप्लीट ज्योग्राफी, ठीक है ना। इसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे कवर करवाऊंगा सीडीएस से पहले, एफ कैट का भी इसमें इंपॉर्टेंट है। और रही बात अब मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा इस लेक्चर के अंदर, वो देख लो आप, मैपिंग पढ़ाऊंगा, सॉइल पढ़ाऊंगा, क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब मैपिंग के अंदर मैं हिमालय पढ़ाऊंगा, एक बार देखोगे लाइफ टाइम के लिए हिमालय दोबारा कहीं जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रांस ग्रेट लेसर मिडल, इसके अंदर एक एक रेंज एक एक पहाड़ी याद हो जाएगी, ठीक है। अब आता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट आप तक जहाँ तक भी आपने जितना ही पढ़ा है, ऐसा मैपिंग मतलब आप आँख बंद करके नॉर्थ ईस्ट के सारे मतलब वो बता दोगे स्टेट, कि कौन से स्टेट कहाँ पर है, कंप्लीट मैपिंग याद हो जाएगा गाइस, मज़ा आएगा आज आपको ये वाला देख के, कसम से बोल रहा हूँ मज़ा आ जाएगा। अब आता है सॉइल, एक आता है नेशनल, एक होता है मतलब इंडियन सॉइल, की दो क्लासिफिकेशन कर रखे हैं ना, इंडियन ने करी है एल ब्लैक सॉइल, रेड लेटराइल, ये सब पढ़ रखी है आपने, ये वाली नहीं पढ़ी होगी। यूपीएससी हमेशा वहीं से क्वेश्चन पूछेगा जहाँ से बच्चा पढ़ के नहीं जाता, हमेशा सीडीएस में लास्ट 2 या 3 साल से ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, अब बच्चा पढ़ के भी नहीं जाता, मतलब इतना ढीट हो चुके हैं बच्चे पता नहीं कैसे। अब आता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल के अंदर क्या है, हिस्टोसोल, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, एंडिसोल, मतलब ऑक्सीसोल, ये सब मैं बताऊंगा एक समय, ये एक ही बार में याद हो जाएंगी, ठीक है ना, खत्म। अब आता है क्रॉपिंग पैटर्न, खारीफ
रबी, ज़ियाद, ये सब आपने पढ़ रखा होगा कि क्या ये सब क्या होता है, क्या मतलब इतने अच्छे से ना कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं, विदाउट एनी टाइम वेस्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैपिंग, ठीक है। मैपिंग ये उन बच्चों के लिए फ़ायदा होगा जो भी सीरियस का एग्जाम देंगे और एनडीए का, ठीक है। एफ कैट में जो क्वेश्चन आते हैं वो केवल डायरेक्ट स्टेट पूछेगा, तो उसमें आपको मैपिंग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एफ कैट में जो भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट स्टेट पूछेगा, ठीक है। लेकिन एफ कैट में, इसमें सीडीएस में और एनडीए में मैच द फॉलोइंग आएंगे, ठीक है ना। कि जैसे कि बताऊंगा मैं आपको कि ऐसे मैच द फॉलोइंग दे देगा इधर और इधर दे देगा, तो बोलेगा कि कौन सी कंट्री में, या फिर मैपिंग आती है इस तरीके से। तो मैच द फॉलोइंग आते हैं इसमें सीडीएस में और एनडीए में, और एफ कैट में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा स्टेट का। तो ये मैपिंग बहुत यूजफुल होती है, इसमें मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं गाइस। टॉपिक का नाम है हिमालय, ठीक है। देखो हिमालय पढ़ेंगे आज हम, तो हिमालय ए टू जेड, मतलब जीरो अगर किसी को नहीं आता और वो हीरो बन जाएगा आज, मतलब उसका लेवल बहुत ऊपर हो जाएगा, तो मज़ा आएगा गाइस। ऐसी मैपिंग आपने नहीं पढ़ी होगी, मज़ा आएगा मतलब जीरो से बिल्कुल, ठीक है ना। देखो स्टार्ट करते हैं। मैं गाइस इसमें अलग अलग कलर यूज़ करूँगा, और आप भी अगर, आपको भी ये एडवाइस दूंगा मैं कि कलर यूज़ करके पढ़ें, ठीक है ना, ईजी हो जाता है। देखो सबसे पहले जो रेंज आएगी यहाँ पे, इसको बोलेंगे हम ट्रांस हिमालय। क्या नाम देंगे इसको? ट्रांस हिमालय, ठीक है। अगली बार मतलब इसके जो पीछे आती है उसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय। देखना गाइस कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और इसकी एकदम बाउंड्री बाउंड्री पे, बाउंड्री बाउंड्री बाउंड्री, और यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया आपके ग्रेट हिमालयास, ठीक है, जो रेड से लिखा है। अब बनाता हूँ दूसरे कलर से, ग्रीन से बना देता हूँ। देखना गाइस ध्यान से, यहाँ से लेके ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं लेसर हिमालयस या मिडल। गाइस नोट डाउन करते रहना, लेसर हिमालयस बोलते हैं, लेसर हिमालयस या मिडल हिमालयस, ठीक है। उसके लास्ट में आते हैं शिवालिक, इसको इस वाले कलर से बना देता हूँ एकदम लास्ट में। यहाँ से ये यहाँ पे आते हैं, कौन सी रेंज आती है यहाँ पे? शिवालिक, ठीक है, शिवालिक रेंज, ठीक है गाइस। इतना आगे समझ में। अब मैं ट्रांस को मतलब एक एक के अंदर घुसेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहले तो यही पता होना चाहिए, पहले ट्रांस हिमालयस बने थे, उसके बाद ग्रेट हिमालय बने, फिर मिडिल, फिर शिवालिक, इतना तो याद रहेगा यार। मतलब इतना बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, ठीक है ना। बस इसमें मैपिंग में जो बनाता जा रहा हूँ उसको अलग अलग मैप पे बनाते जाओ। नहीं बनाना तो एक ट्रिक है, मैप खरीद लो, उस पर बनाओ, ठीक है ना, बहुत आसानी होगी। अगर वो भी नहीं करना तो अपने हाथ से मैप बनाओ ऐसे करके, उस पर बनाओ, वो परफेक्ट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब गाइज मैं जूम कर करके लिखूंगा, तो दिक्कत हो तो बता देना, वैसे तो क्लियर लिखने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। देखो सबसे जो ऊपर रेंज आती है यहाँ पे ऐसे, योगे काराकोरम, फिर आती है लद्दाख, फिर आती है जास्कर, ठीक है। पेन से दूसरे से लिखूंगा मैं, कलर ये रखेंगे, पहली हो गई। गाइस अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो तो बता देना, वैसे अगर आप जूम आउट करेंगे तो क्लियर दिखाई देना चाहिए। काराकोरम, ठीक है, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा डार्क कर लेते हैं इसे, ठीक है। देखो काराकोरम, दूसरी वाली रेंज का नाम क्या बताया हमने? लद्दाख। इसके बाद जो रेंज बताया उसका नाम क्या बताया मैंने? जास्कर, जास्कर, ठीक है। देखो गाइस 2x पे देखना, जल्दी हो जाएगा कवर, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है, ये तो हो गया बेसिक बेसिक। अब जो बनाने जा रहा हूँ वो ध्यान से देखना, इस पर पीक्स आती हैं गाइस, तो यहाँ पर है K2, कहाँ पे? ये बना दिया, जो ट्राइंगल शेप में बना रहा हूँ इस पर ध्यान देना। और ये एक और दो यहाँ पे पहाड़ हमें याद रखने हैं, एक का नाम है K2, और इस वाले पहाड़ का नाम है गासिर बम, गासिर BUM बम, ठीक है गाइस, गासिर बम और K2, ठीक है। K2 का दूसरा नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है ना गाइस, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन K2 का दूसरा नाम है। जूम आउट करके कैसा लग रहा है? सही है। देखो K2 का दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन, पहली आती है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, याद रखना KLZ, ये तीनों के तीनों किस्में, ये क्या है, क्या है ये, जो मैंने बताया क्या क्या पढ़ाया मैंने आपको, ये पढ़ाया मैंने ट्रांस हिमालय,
ठीक है ना गाइस, ट्रांस हिमालयाज, ट्रांस है ये, ठीक है। एक रेंज और है ट्रांस में गाइस, बहुत ही बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, मज़ा आएगा देखो। वो चाइना में है ना, ये रही ऐसे ऐसे करके बना दो। इसका नाम है कैलाश रेंज, ठीक है। क्या नाम है उसका, कैलाश रेंज। गाइस बिल्कुल एग्जैक्ट बना रहा हूँ मैं, मैपिंग में कोई गलती नहीं है, एकदम एग्जैक्ट मैप बना रहा हूँ, ठीक है ना। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश रेंज, ठीक है। ये हो गए हमारे सारे के सारे ट्रांस हिमालय। तो गाइस इसको मैं साइड में बनाता हुआ चलूँगा ताकि बाद में आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि हमने क्या पढ़ लिया। तो जो इस वाले कलर से बनाया है मैंने, इसको मैंने ट्रांस हिमालयस, ठीक है गाइस, हिमालयस को मैं एच लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है। अब चलते हैं, रेड कलर लेते हैं। अब पढ़ेंगे हम क्या, ग्रेट हिमालयस। ग्रेट हिमालय मैंने क्या बताया था, यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे, और ये ऐसे चल के नहीं रहा, ऐसे ऐसे, और ये पूरा ऐसे यहाँ तक होगा, ठीक है ना। इसको मिटा रहा हूँ अभी ताकि हम लिख सकें, क्योंकि यहाँ से मैपिंग के जो क्वेश्चन आएंगे मैं याद करवाऊंगा गाइज। एक होता है कि जब पढ़ा के छोड़ना, पढ़ा के नहीं छोड़ूंगा, याद करवा दूंगा, बस एक बार पढ़ लो, लाइफ टाइम के लिए याद कर लो। तो यहाँ से पर्वत स्टार्ट होता है और यहाँ तक है वो पर्वत, यहाँ तक बन जा, क्या हो गया। तो एक है यहाँ पे, ठीक है गाइस। इनके देखो नाम मैं लिख के दिखाऊंगा आपको कि क्या क्या इनके नाम है। तो गाइस ग्रेट हिमालय का एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है। यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ पे एंडिंग हो रही है, ठीक है। तो इसका नाम है नंगा पर्वत। क्या नाम है इसका, नंगा, नंगा स्पेलिंग गलत हो गई, नंगा पर्वत, पर्वत इसका नाम है नामचा बारवा। क्या नाम है इसका, नामचा, नामचा बारो बोल लो, बारवा जो भी है, ठीक है ना। नामचा बार बारवा बोलते हैं इसको, उसको बोलते हैं नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत तक क्या है, ग्रेट हिमालयाज हैं, ठीक है गाइस। अब मैं इसके बीच के याद करवाऊंगा। तो इंडिया के अंदर कितने हैं, देखो इंडिया के अंदर जो ट्रिक है याद करने की वो क्या है, और एक नेपाल के अंदर है उसकी क्या है। पहले नेपाल वाली करवाऊंगा। यहाँ पे है डैम जैम, DAMGEM, पहले देखो DAMGEM क्या है, डैम जैम, ठीक है ना गाइस। देखो अब डैम जैम मैं कहाँ पे लिखूँ, थोड़ा क्लियर करने के लिए इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे डैम। गाइस खिलास रेंज का ऐसी तैसी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आगे चलते हैं हम। डी से क्या था, धौलागिरी, धौलागिरी, ठीक है। एक हो गया अन्नपूर्णा। ए से क्या हो गया, अन्नपूर्णा। एम से क्या हो गया, मनसालू, ठीक है। जी से क्या हो गया, गौरी शंकर, ठीक है, क्या हो गया, गौरी शंकर। ई से क्या हो गया, माउंट एवरेस्ट, ये तो याद ही रहता है सभी को, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। और एम से क्या हो गया, मकालू, मकालू, ठीक है गाइस। इतना हो गया, देखो एक बार फिर से रिवीजन करवाना, थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या था, नंगा पर्वत, और यहाँ पे क्या था, नामचा बारवा। बीच में नेपाल में जो हिमालयाज है उनका नाम मैंने बता दिया एक साथ, डैम जैम, क्या डैम जैम। डी से क्या था, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, मकालू, हो गया। अब मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे जो यहाँ पर है, यहाँ पे कौन से हैं, ग्रेट हिमालयाज। क्योंकि अभी मैं लाल से जो भी बना रहा हूँ, ये क्या पढ़ा रहा हूँ मेरे को आपको, ग्रेट हिमालयाज पढ़ा रहा हूँ, ग्रेट वाले, ठीक है ना। किसी को नहीं तो आ रहा समझ में, बैक करके देखना। मैंने यहाँ पे तीन रेंज बताई थी, एक था ट्रांस वाली, उसके बाद था ग्रेट, उसके बाद मिडिल था, उसके बाद शिवालिक था, ठीक है ना। तो अब हम सबसे सेकंड वाली रेंज पढ़ रहे हैं, ग्रेट हिमालयाज वाली, ठीक है। अब यहाँ वाली याद करवाऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखना गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आता है इंडिया वालों से। अब देखो आपको क्या ऐसे याद रखना है, पहला यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, मतलब अल्टरनेटिव, फिर ये रहा, एक दो तीन चार, फिर पाँच, फिर छः, छः हैं बस, कितने हैं, छः हैं, ठीक है। अभी याद कैसे रहेगा, क्या सीक्वेंस है इनकी। तो गाइज ऐसे इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे,
क्या है, के बी, बी के, एन टी। अब बोलोगे ये क्या लिख दिया भाई। देखो पहले मैं इनके नाम बता देता हूँ, उसके बाद वहाँ पे मार्क कर लेंगे इनको। पहले का नाम है कामेत, ठीक है, दूसरे का नाम है बंदर पूंछ, बंदर पूंछ, ठीक है, उसके बाद है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, उसके बाद है केदारनाथ, केदारनाथ, उसके बाद है नंदा देवी, उसके बाद है त्रिशूल। देखो के बी, बी के, देखो यहाँ से देखो मैंने कैसे याद करवाया, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। हाँ देखो पहले था के, फिर बी, फिर बी, फिर के, फिर एन, फिर टी, ये ऐसे याद करवाया मैंने। देखो कामेत, बंदरपुच, बद्रीनाथ और केदारनाथ एक साथ आएंगे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, फिर नंदा देवी और त्रिशूल। हो गया, हो गया ना याद। अब चलते हैं यहाँ पे, गाइस ध्यान से देखना, मैं कसम से बता रहा हूँ याद हो जाएगा, बस थोड़ा सा फोकस रखना जो जहाँ पे भी है, और HD में देखना वाली वीडियो 10, जो भी आप जो जितनी भी आपको दिखाई देगी उसमें प्योर HD में, ठीक है। देखो यहाँ पे है के, कामेत, कामेत मैं छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ। यहाँ पे हो गया आपका क्या, बी, बंदर पूंछ, उसके बाद क्या आएगा, फिर से बी क्या आएगा, बी के, बी से क्या हो गया, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, फिर क्या था, केदारनाथ, फिर क्या था, एन, फिर क्या था, टी, एन से क्या था, नंदा देवी, टी से क्या था, त्रिशूल। हो गया याद गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है मैंने, एक बार इसको फिर से लाल कर देता हूँ फिर, ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि लाल से मैंने ग्रेट हिमालय वर्ड पढ़ाए हैं, ठीक है, हो गया याद। तो ये नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट है, और ये एस एस, ये देखो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सीरीज में कैसे क्वेश्चन आएंगे, या फिर NDA में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। वो बोलेगा नॉर्थ टू साउथ, साउथ लगाओ, कुछ भी बोल देगा, फिर नीचे पॉइंट दे देगा, इसके आगे दे देगा ए बी सी डी, फिर बोलेगा ए बी सी डी, इस तरीके से होगा, या फिर ऐसे होगा बी सी ए डी, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन बना देगा चार, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से मैपिंग के, और लोग सोचते हैं ये बहुत टफ होते हैं। एक बार मैं पूरा मिटा दूंगा, फटाफट आप खुद ही बोलने लगोगे कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ठीक है, मिटाऊँ, देखो क्लियर कर रहा हूँ इस पेज, स्क्रीनशॉट लेना एक बार, ले लेना स्क्रीनशॉट, क्लियर ऑल, हो गया। देखो सबसे पहले मैंने ऊपर बताई थी रेंज, ठीक है, यहाँ पे कौन सी थी, के एल जेड, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, यहाँ पे मैंने कौन सा पार्ट बताया था, K2 बताया था, यहाँ पे क्या बताया था, गासिरबम, बोलोगे नहीं ना अपने मुंह से तो घंटा याद नहीं होगा कुछ भी, गासिरबम, ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, K2 को गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, यहाँ पे क्या था, कैलाश रेंज, ठीक है, हो गया, आगे चलूँ, ठीक है। देखो ये क्या हो गया, सारे के सारे ट्रांस वाले हो गए खत्म, मैंने यहाँ से लेके क्या बताया था, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक क्यों नहीं चलता यार ये पेन, क्या हो जाता है इसमें, गाइस फिर से देखना, यहाँ से लेके ग्रेट हिमालय बता रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या बताया था मैंने, स्टार्टिंग, बच्चा जब आता है तो क्या होता है, नंगा होता है ना, तो नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से नामचा, नामचा बारवा, ठीक है, ये इतना तो याद रहेगा। यहाँ पे मैंने क्या ट्रिक बताई थी, यहाँ पे इस वाले स्टेट में, यहाँ पे नहीं है गाइस, यहाँ पे है, ठीक है, और नेपाल में, नेपाल में क्या बताया था, डैम जैम, इतना तो याद रहेगा, डैम जैम, डी से क्या था, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, ये जी से गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, एम से मकालू, गाइस याद रखना यही सीरीज आएगी, बोल देगा कि ईस्ट टू वेस्ट लगाओ या वेस्ट टू ईस्ट लगाओ। अब ईस्ट और वेस्ट भी बता दूं तो देख लो एक बार, ये नॉर्थ होता है ऊपर वाला, ये साउथ होता है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल आता है तो यहाँ पे ईस्ट होता है और यहाँ पे वेस्ट होता है, बस याद रखना। कुछ भी बोले अरेंजमेंट लगाने के लिए, इधर से उधर, इधर से उधर, बड़े आराम से लगा के आओगे, बड़े आराम से, ठीक है। डैम जैम यार एक वर्ड याद रखना है बस, पूरी सीरीज याद करवा रहा हूँ, है ना, आसान है ना। यहाँ पे इसके लिए मैंने क्या बताया था, के बी, बी के, यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ आता है इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए इसलिए ऐसे लिख के बताया था मैंने, ठीक है, मिटा देते हैं एक बार फिर से। अच्छा यहाँ के लिए मैंने क्या बताया था, के बी, बी के, एन टी, कैसे क्या था, ये वाले तो याद रहेंगे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये तो पिक्चर भी आई है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये तो याद रहेंगे। पहले क्या था, कामेत, बोलो अपने मुंह से कामेत, बी से क्या था, बंदर की पूंछ, बंदर पूंछ, एन से क्या था, नंदा देवी, टी, टी से क्या था, त्रिशूल, बना लो अपने माइंड में इमेज, बना लो त्रिशूल, त्रिशूल, टी, त्रिशूल, हो गया याद, हो गया याद। तो ये नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए आते हैं, ये वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट लगाने के लिए आते हैं, ये वाले मैंने आपको पूरे याद करवा दिए। अब आगे चल रहा हूँ मैं,
मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ तक याद हो गया है, ठीक है, आगे चल रहा हूँ गाइस मैं, ठीक है, चलते हैं आगे, इसको मिटाते हैं। देखो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, ये वाला पढ़ लिया, यहाँ तीन थे, क्या था वो, ट्रांस हिमालय, हमने ये वाली पूरी सीरीज पढ़ ली, ये क्या था, ग्रेट हिमालय, अब हम पढ़ेंगे मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय को कलर लेंगे हम ये वाला ऑरेंज, ठीक है, मिडिल हिमालय को पढ़ने के लिए ब्लैक लेते हैं, थोड़ा अच्छा वो लगेगा। देखो यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट बना रहा हूँ गाइस, यहाँ पे बना दो पी 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 पी, फिर आएगा यहाँ पे डी डी, याद याद करने के लिए ना कुछ भी बोलो, अपने मुंह से बोलोगे ना याद तभी होगा, क्योंकि नए वर्ड्स हैं, एक बार में याद हो गया तो फिर यार फिर तो सभी ना कर लेते क्लियर, है ना, तो वही बात है, मुंह से बोलोगे नहीं तो याद नहीं होगा। और गाइस यहाँ से क्वेश्चन आएगा पी पी डी डी, पी पी डी डी, ये हो गया नाग टिब्बा, नाग टिब्बा, ठीक है, ये हो गया मसूरी, घूमने जाते हैं यहाँ पे लोग, ये हो गया कमाऊ, बस हो गया, और यहाँ पे आ गया महाभारत, कहाँ पे, ये नेपाल में, कोई इंडिया में मत बोल देना, महाभारत, ये महाभारत की रेंज है, पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियाँ कौन सी हैं, ये रेंज, अगर मैं पूछ लूँ महाभारत इज इन पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, तो ये मिडिल हिमालय, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मिडिल हिमालयस, ग्रेट हमने ये पढ़ लिया, ऊपर वाला ट्रांस पढ़ लिया, ग्रेट पढ़ लिया, ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मिडिल हिमालयस। मेरे हिसाब से याद हो गई होंगी, नहीं हुई याद, एक बार फटाफट बोल रहा हूँ, और अपने मुंह से और अपने दिमाग से जितना बोलोगे उतना याद होगा गाइस, मैपिंग का सीधा फंडा है, जितना बोलोगे उतना याद होगा। ये क्या था, बस मैं पहला बार लिखूँ, काराकोरम, ये क्या था, लद्दाख, ये क्या था, जास्कर, ठीक है, ये क्या है, केटू की पहाड़ी, ये क्या है, गासरबम, ठीक है, गासरबम पूरा नहीं लिखूँगा मैं, ठीक है, क्योंकि रिविजन चल रहा है, ये क्या है, नंगा पर्वत, ये क्या है, नामचा पर्वत, यहाँ पे वाली जो ट्रिक थी वो क्या थी, के बी बी के एन टी, के से क्या था, कामेत, बी से बंदरपूछ, बी से बद्रीनाथ, के से केदारनाथ, एन से नंददेव, टी टी से त्रिशूल, यहाँ क्या थी, डैम जैम, डैम जैम, डी से भलागिरी, एम ए से अन्नपूर्णा, एम से मनसालो, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, एम से मकालू, ठीक है, और ये क्या है, नामचा बारवा, हो गई गाइस याद। और एक लास्ट अभी जो बताई ब्लैक से, ये क्या थी, पी पी, पी पी का मतलब और डी डी का मतलब आपने पूछा भी नहीं और मैं बताना भी भूल गया, इसको बोलते हैं पीर पंजाल रेंज, इसको बोलते हैं धौलाधर रेंज, कौन सी, धौलाधर, गाइस नोट डाउन कर लेना पी पी का मतलब क्या है और डी डी का मतलब क्या है, मैं बताना भूल गया आपको, पी पी का मतलब पीर पंजाल रेंज, डी डी का मतलब धौलाधर रेंज, ठीक है, यहाँ पे क्या थी, नाग टिब्बा, फिर क्या थी, मसूरी, फिर क्या थी, कमाऊ, कमाऊ लिख देता हूँ, कमाऊ, मसूरी, मसूरी, और ये क्या थी, नाग टिब्बा, ठीक है, और ये क्या थी, महाभारत। और गाइस शिवालिक के अंदर कोई पहाड़ी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिवालिक बहुत छोटी हो जाती हैं, बस ये याद कर लो कि इसके बाद जो सबसे लास्ट में बची ये शिवालिक है, बस ये पता होना चाहिए लास्ट वाली शिवालिक है, बस इतना ही पता होना चाहिए, इसमें कोई पहाड़ी स्पेसिफाइड याद नहीं करना, ठीक है, चले आगे, इतना याद हो गया। अब जो गाइस मैं बताने जा रहा हूँ वो होगी नॉर्थ ईस्ट की मैपिंग, यहाँ वाली मजा आ जाएगा इसको तो पढ़ के, इसमें मैं इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि हाथ से बनाऊंगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि, चलूँ पक्का, चलिए आगे चलते हैं। बस एक बार आप नॉर्थ ईस्ट का मैपिंग देख लोगे ना तो मजा आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये ऐसे बस मैं थोड़ा बस बना के दिखा रहा हूँ, देखो कैसे बन कैसी रही है जनरली, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, अब मैं इसको रफ में अपनी हैंडराइटिंग से बना के दिखाऊंगा और याद करवाऊंगा गाइस, याद लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा आपको। नॉर्थ ईस्ट का जब भी कभी क्वेश्चन आता है, एनडी में भी आता है और सीडीएस में भी आता है, दोनों में बहुत बार आया है, बहुत बार, एक दो बार आया तो बात अलग है, बहुत बार, इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है ना, लाइफ टाइम के लिए कभी कोई गलत नहीं होगा क्वेश्चन। चलिए चलते हैं, प्लैंक पेज लेके आते हैं। तो गाइस देखो यहाँ से ऐसे, ये हो गया सिक्किम, फिर ये भूटान चल रहा है, ये आ गया, अब बस देखते जाओ बनता कैसे, मजा आ जाएगा आपको, किसी ने नहीं बताया होगा ऐसे आज तक। देखो गाइस जब भी कभी ऐसे बनाते हैं, स्टार्टिंग ऐसे करते हैं, फिर यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा सा टाइप बनाते हैं, इस गड्ढे के अंदर आता है भूटान, कलर दूसरा लेता हूँ ताकि इमेज बने माइंड के अंदर। तो ये वाला जो कंट्री आ गई, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये हो गई आपकी भूटान, ठीक है, ये वाली कौन सी कंट्री हो गई, भूटान, लाल ही कलर लेके आते हैं, ध्यान से देखना गाइस, ऐसे करके बनाना है, फिर यहाँ पे ऐसे करके दो बनाने हैं जैसे गाय के थन होते हैं, बस याद करना, गाय के दो थन बना दो ऐसे करके,
यहाँ पे ले आओ, ठीक है। अब देखो याद कैसे होगा, ऐसे करके ले आओ, ऐसे ये वाला पूरा, ये पूरा, उसके बाद फिर इसको एक पार्ट में तोड़ना है ऐसे, एक बार और तोड़ना है ऐसे। देखो इन दोनों थन को अलग कर दो, कर दो कैसे, ऐसे ऐसे अलग कर दिया, एक एक थन को अलग कर दिया, ये नंबर वन थन हो गया। थन यार ऐसी याद करवाने की ट्रिक है यार बस, ये कोई इसको नेगेटिव सेंस दिया वैसे ना ना ले, मतलब याद होना चाहिए ना, मेन फंडा क्या, याद होना चाहिए। तो एक थन को मैंने वन लिख दिया, एक पे लिख दिया टू, इतना तो याद हो गया। उसके बाद यहाँ पे दो दो ऐसे स्टेट बनने चाहिए, एक ये स्टेट बन गया और एक ये स्टेट बन गया। और ऊपर वाला मैंने कैसे बताया, यहाँ से पूरा लेके आ जाओ और यहाँ पे ऐसे आके खत्म कर दो, ठीक है। यार मैं नॉर्थ ईस्ट ना ऐसे बढ़ा दूंगा, किसी ने नहीं बढ़ाया होगा। देखो ये अलग कलर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब स्टेटिंग की नाम की मतलब नाम बताने की बारी आती है, इसको बोलते हैं एपी, अरुणाचल प्रदेश, इस पूरे को। यहाँ तक तो गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा स्टेट है, ये कौन सा स्टेट है और ये कौन सा स्टेट है, ये हो गया नागालैंड, नागालैंड, ठीक है। ये हो गया आपका मणिपुर, मणिपुर, ये हो गया। सबसे लास्ट में क्या आता है, ए बी सी डी में जेड आता है ना, तो सबसे नीचे तक कौन सा जा रहा है, जेड, मिजोरम, मिजोरम, ठीक है गाइस, जेड आ रहा है ना, मिजो। तो ऐसे याद कर रखा है मैंने कि जो जेड अल्फाबेट में भी लास्ट में आता है और ये भी जेड सबसे नीचे आएगा, हो गया याद, इतना तो याद हो ही रहा होगा। ये हो गया त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक है। ये हो गया आपका मेघालय, देखना अलग से बना दिया मेघालय, तो बीच में ऐसे करके गोला बना दो, ये हो गया मेघालय। और जो ये पूरा बचा, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ये क्या हो गया, असम। और ये कौन सा है, ये वाला सिक्किम, हो गया गाइस याद। अगर नहीं हुआ अपने हाथ से एक बार बना लो, एक बार, मैं गारंटी लेता हूं याद हो जाएगा। देखो गाइस फ्रेश पेज लेके आ रहा हूं, देखो जब भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, इतनी जल्दी बना लेता हूँ मैं, देखो ऐसे करके, मैंने यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे करके लेना भूल गया। ये हो गया एपी, इन दोनों को मैं अलग कर देता हूँ, इसका नाम त्रिपुरा, यहाँ पे जेड, देखा कितनी जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे कितने स्टेट आएंगे, मैंने बता दिया यहाँ पे दो आते हैं बस इसके ऊपर, तो ये यहाँ तक ऐसे आ जाएगा। इसका नाम क्या है, मणिपुर, इसका नाम है एन, इसका नाम है एम, मणिपुर, इसका नाम है नागालैंड, इसका नाम है NM, ये भी याद हो गया NM, ये तो याद ही रहेगा, अरुणाचल प्रदेश, बीच में से गोला बना दो, ये हो गया मेघालय, कन्फ्यूजन नहीं होगा, मैं ये बोल रहा हूँ। ये हो गया असम, ये हो गया सिक्किम, हो गया याद, इतना तो याद हो ही गया होगा, इससे ज़्यादा तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब गाइज यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप में आते हैं, तो पिछले वाली स्लाइड पर चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ा सा पॉज करना और बताना खुद ही। ये लेते हैं कलर, हाँ आप मेरे को बताओ, क्या त्रिपुरा और मिजोरम जो इसके नीचे क्या है, बे ऑफ बंगाल है ना, उससे टच होते हैं ये दोनों, नहीं होते, देखा आज तक कभी सोचा था। तो यहाँ पे कौन सी कंट्री आ रही है जो नहीं हो रहे, ये आ रही है बांग्लादेश। तो इतना तो हो गया कि मिजोरम के आधे से, कितना, आधे से लेके ये पूरा यहाँ से बांग्लादेश है, इतना तो यार याद रखना, बांग्लादेश है, दूसरा देश है ये, हमारा देश वाला बांग्ला नहीं है ये, ठीक है, हमारा तो वेस्ट बंगाल है, ठीक है। ये चलते हैं इधर, इसको कलर दूसरा ले लिया। अब यहाँ पे ये पूरा क्या हो गया, इस साइड ये पूरा नीचे तक, ये हो गया म्यांमार, ठीक है गाइस। तो हमें ये पता तो चलेगा कि इसमें से कोई सा भी बे ऑफ बंगाल को टच नहीं करता, तो यही क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, शायद आया था ये एनडीए में, सीडीएस में, अभी मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, वो क्वेश्चन ये आया था कि मणिपुर बंगाल से ऐसा कौन सा देश है जो दोनों से टच करता है, वेस्ट बंगाल से भी, मतलब बांग्लादेश से भी, और म्यांमार से भी, तो केवल एक ही देश है, मतलब एक ही स्टेट है, सॉरी एक ही स्टेट है, वो कौन सा स्टेट है, मिजोरम, कौन सा स्टेट है, मिजोरम, ठीक है। त्रिपुरा करता है, नहीं करता, त्रिपुरा मतलब एक से करता है, इस वाले से नहीं करता ना, वैसे ही मणिपुर है वो भी नहीं करता, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन बन के आएगा ना, फ्रेम हो जाएगा ना, मतलब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, आ रहा है समझ में आपको, तो मज़ा आ रहा होगा, ठीक है, मतलब जशन घट रहे। देखो ये हो गया, आगे चलते हैं। अब मैं जो चीज़ याद करवा रहा हूँ वो है यहाँ के पहाड़ी, यहाँ पे भी तो पहाड़ है, यहाँ पे भी तो हिमालयाज हैं, हिमालय भी ख़त्म नहीं हुआ है ना। देखो ये बना दिया ऐसे करके, फिर ऐसे ऊपर ले गए, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये बन गया आपका। सॉरी गाइस, बीच में एक कॉल आ गई थी मम्मी की, अब यहाँ चलते। देखो तो ये हो गया आपका एपी, ठीक है, मैंने बता दिया, मैंने इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसे मैंने आपको बता चुका है, ठीक है ना, ये हो गया।
इतना तो यार आप इतनी ऐसे बना दोगे फटाफट एग्जाम में, है ना। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ये भी नहीं पता कि कौन सा स्टेट कौन सा था, लेकिन अब पता है ना। ठीक है, अब जो पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ यहाँ के हिमालयाज। ठीक है, पेन चेंज करते हैं। गैस आपको लग रहा होगा बहुत धीरे पढ़ा रहा है, लेकिन इतना तेज शायद ही कोई पढ़ाता होगा यूट्यूब पे, कोई भी वो बकवास नहीं करता मैं। ठीक है ना, देखो यहाँ से होगा। देखो मैंने ना एक एक लाइन में याद कर रखा, पता नहीं इसमें लोग ट्रिक बनाते हैं, डाफला मीरी अभोर मिशमी, ऐसे याद कर रखा है मैंने। मतलब देखो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे एक पहाड़ी का नाम है, उसका नाम है डाफला, यहाँ पे है मीरी, यहाँ पे है अभोर, यहाँ पे है अब ये ओ है ठीक है ना, अभोर, ये है मिशमी, मिशमी। ठीक है, इतना तो याद रहेगा ना, आसान है ना, डाफला मीरी अभोर मिशमी, है ना। फिर आ जाता है पटकाई बम। पटकाई बम क्या है ये, मतलब अजीब सा नाम नहीं लग रहा, पटकाई, पटकोई बम। देखो इसको हम लोग, पटकाई बम का मतलब होता है शायद मुर्गा होता है, मुर्गे की नाड़, है ना। ये जो लग रहा है देखने से, ऐसे नहीं लग रहा है जैसे मुर्गे की नाड़ हो उस तरीके से, तो इसलिए इसको पटकाई बम बोलते हैं। यहाँ की लोकल लैंग्वेज में मुर्गे को शायद पटकाई बम बोलते हैं ना, ऐसा कुछ इसके पीछे वो है इसका नाम रखने का। ठीक है, तो डाफला मीरी अबोर मिशमी, बोलो एक बार मुंह से बोलोगे ना, एक बार ऐसे चुटकियों में याद हो जाएगा। डाफला मेरे साथ बोल दो एक बार, चलो डाफला, अरे कौन नहीं बोल रहा, बोलो सबको बोलना है, जो वीडियो देख रहा है वो बोल दो एक बार, डाफला मीरी अबोर मिशमी, डाफला मीरी अबोर मिशमी, डाफला मीरी अबोर मिशमी, डाफला मीरी अबोर मिशमी। हो गई, ये चारों तो याद हो गई, और पटकाई बम कितनी आसान थी। अब ये कौन सा स्टेट है, इसमें बहुत ही हार्ड पहाड़ी है, बताओ ये कौन सा स्टेट। नागालैंड है, इसमें नागा हिल्स हैं। ठीक है, ये तो आसान है यार, नागा हिल्स। यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है, ये कौन सा स्टेट है, मणिपुर है, यहाँ पे मणिपुर हिल्स। ये बहुत हार्ड हार्ड गए हैं, बहुत हार्ड हैं ये। यहाँ पे कौन सी पहाड़ वो है, स्टेट है, मीज़ो है, तो यहाँ पे हो गई मीज़ो हिल्स। कितना टफ है ना ये। ये को ये क्या है, ये है त्रिपुरा, तो यहाँ पे क्या हो गया, त्रिपुरा हिल्स। कितना टफ है ना ये, देखा, इसलिए बोलते हैं एक बार जो चीज़ पढ़ो तो एक ही बार पढ़ो, बार बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता। देखो ये मेघालय हो गया, मेघालय में ये तो यार सभी को याद होगी, पता कौन सी, तीन है यहाँ पे, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। ये तो शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको नहीं पता होंगी, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आपको, गारो खासी जयंतिया। ठीक है गाइस, इतना हो गया याद, इतना हो गया याद। अगर इतना हो गया हो तो मेरे को ओके अभी लाइक कर देना, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करना वीडियो को, और कमेंट भी जरूर करना कि भाई मज़ा आ गया, है ना। राहुल गांधी वाला किसी ने कल वो भी भेजा था इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम बोल रहा हूँ, टेलीग्राम पे। अब करेंगे हम लोग, हाँ यहाँ की हाईएस्ट पीक्स। यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, एक साइड में दे देगा स्टेट, एक साइड दे देगा उसकी पीक, कौन सी हाईएस्ट पीक। स्टेट जैसे एपी दे देगा, सिक्किम के ये दे देगा, त्रिपुरा, उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, मिजोरम की कौन सी है, तो हमें उनके नाम पता होने चाहिए ना, तभी तो हम लोग कर पाएंगे ना ये क्वेश्चन। ठीक है ना, तो गाइज अब मैं इसको अगले पेज में बनाता हूँ, यहाँ पे किच पिच हो गई। अब मेरे को एक चीज़ तो बताया, आप नॉर्थ ईस्ट में कभी डरोगे नहीं, है ना, देखो ऐसे करके एकदम बना दो, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, यहाँ पे दो हैं बस, मतलब एकदम बना दोगे आप, ये मेरे को इतना भरोसा है कि अब तो आप कुछ ना कुछ तो आपको आता है ना। अब कलर चेंज करते हैं, लेते हैं ब्लैक कलर। यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है कैंगटो। ठीक है, यहाँ पर जो है ये कौन सी एपी की है, एपी की हाईएस्ट पीक कौन सी है, कैंगटो। ठीक है, और नागालैंड, इसके बाद नागालैंड है, नागालैंड का क्या है, सारा माती, सारा माती बोल लो, सारा माता बोल लो, याद करनी है अपने को, उससे कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे है माउंट ईसो, इसको आईसो बोल लो, ईसो बोल लो, एक ही बात है, माउंट ईशो बोलता हूँ मैं तो, माउंट आईसो। यहाँ पे है ब्लू माउंटेन, कौन सा, ब्लू माउंटेन, याद रखना गाइस। यहाँ पे कौन सा है, बैटलिंग्स, बैटलिंग सिब, बैटलिंग सिब, ये थोड़ा टफ सा नाम है लेकिन आसान है, हो जाएगा याद। एक बार ये क्वेश्चन आ रखा है गाइस कि मैच द फॉलोइंग करो हाईएस्ट पीक्स हर एक स्टेट्स की, तो एपी का क्या है, देखो मैं बस मेरे को एक दो याद रहती हैं, देखो कैसे याद रहती है मैं आपको बता देता हूँ। मिजोरम की याद रहती है मेरे को ब्लू माउंटेन,
अपने को सारी याद थोड़ी ना करनी है, एक दो याद कर लो, मैच द फॉलोइंग में वहां पे पता चलता है यार कि कौन सा ऑप्शन होगा, है ना। थोड़ा सा मतलब खेलो तो आराम से, दिमाग से खेलो, है ना, वाला सीन है मेरा। तो उसी वैसे ही पढ़ो जो जितने एग्जाम में मतलब याद करने के लिए मांगा जाए। और नागालैंड की याद रहती है, ठीक है। नागालैंड का क्या है, सारामाती, और ब्लू माउंटेन किसकी है, मिजोरम की, मिजोरम की। और माउंट ईसो की भी याद रहती है, ये किसकी है, मणिपुर की। अब इसकी कोई ट्रिक नहीं है गाइस, ये तो बहुत मेरे को आसान लगता है, तो मैंने इसके लिए कोई ट्रिक व्रिक नहीं बना रखी मेरे को, क्योंकि आसान लगता है, ठीक है। एक बार में फटाफट मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है, रिवाइज करवा दूं क्या, क्वेश्चन पूछूं। अगर मेरी मेरी वीडियो का फंडा ये है, जो यहाँ आ रहा है वो यहीं याद करके जाए, उसको जाकर दोबारा नहीं पढ़ना, ठीक है ना। यहीं पे याद करो बस, एग्जाम में फिर तुक मतलब मारो, टिक करो फटाफट जाके। अब चलते हैं आगे गाइज, एक सॉइल का टॉपिक और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार यहाँ से, चाहे वो सीडीएस का एग्जाम हो चाहे वो एनडी का एग्जाम हो, यहाँ से फिक्स क्वेश्चन आ रहा है, हर साल आ रहा है। चाहे तो मैं आपको दिखाऊंगा इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इंडिया में जो सॉइल, एक तो देखो दो टाइप से सॉइल की क्लासिफिकेशन हो सकती है, एक तो जो इंडिया ने करी है, एक जो इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल, ठीक है ना। इंडिया ने कौन सी करी है, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल। तो ये वाली आ नहीं रही है, कई साल हो गए ये वाले क्वेश्चन यहाँ से नहीं आ रहा, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। मैं गारंटी लेता हूँ इस बार यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, मेरे को ऐसा फील होता है, क्योंकि यूपीएससी हर बार पलट के आती है। तो मैं आपको दोनों करवाने की सोच रहा हूँ, कि ये भी करवा देता हूँ, ये भी करवा देता हूँ। इंटरनेशनल में जैसे आती है, जैसे हिस्टोसॉल क्या होता है, हिस्टोसॉल, एंटीसॉल, आपने क्वेश्चन देखे होंगे, जिन्होंने लास्ट टाइम दिया होगा उनको पता होगा, इंसेप्टिसॉल, एंडिसॉल। तो ये क्वेश्चन बच्चों के हर बार गलत होते हैं, ठीक है ना। तो इस ये किस टाइप की क्लासिफिकेशन है, हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, सीडीएस में तो पक्का आता है, एनडीए में ये वाले आते हैं। तो मैं दोनों करवा देता हूँ आपको, ठीक है। पहले मैं करवाता हूँ जो इंटरनेशनल वाली है, नोट डाउन कर लेना गाइस, ठीक है। इंटरनेशनल तो देखो, सबसे पहले देखो जिसके आगे हिस्ट्री लिखा हुआ है, हिस्टोसोल। देखो सोल का मतलब होता है सोल, सॉइल, ठीक है ना, और हिस्टो का मतलब होता है पुरानी, ठीक है। तो जो पुरानी होगी वो कैसी होगी सॉइल, आप खुद बताओ। हाईली ऑर्गेनिक मैटर होगा ना उसमें, मतलब मैं उसको ऑर्गेनिक उसमें बहुत ज़्यादा होगा, जो भी हिस्ट्री वाला मतलब ऐसे ये याद ही करना पड़ेगा यार इसका ना, क्योंकि देखो सॉइल की क्लासिफिकेशन कर रखी है। अब आपको एक हिस्टोसॉल आपका नाम रख दिया, समझो आपका नाम कुछ भी है, जैसे एक हमारे सब्सक्राइबर, उनका नाम वैली ऑफ फ्लावर है, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका नाम वैली ऑफ फ्लावर क्यों है, क्योंकि रखा उन्होंने, उनकी उनकी मर्जी थी, है ना। तो वैसे ही इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ने अगर आप किसी का नाम रख दिया हिस्टोसॉल, अब इस पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ये नाम क्यों रखा, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, है ना। तो सिर्फ आपको ये रटनी पड़ेंगी। तो ये क्या होती है, हाई ऑर्गेनिक मैटर, याद कर लिया। जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड है याद कर लो, वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक होती हैं, तो हिस्टोसोल, ठीक है। ये हो गई तरी, ये हो गई आपकी एक क्लासिफिकेशन। दूसरी क्लासिफिकेशन के अंदर लेयरिंग होती है, लेयरिंग मतलब इसको मैं लिखता हूँ गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई आपको इस तरीके से नहीं पढ़ेगा। एक होती है डेवलप्ड ऑरिजिन के हिसाब से, ऑरिजिन मतलब समझ समझ रहे हो ना, ऐसे करके लेयर वाइज ऑरिजिन, ये लेयर भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब इसमें पहली का नाम है, ब्लैक से लिखता हूँ, पहला नाम है उसका नाम है एंटी सोल, उसके बाद है इनसेप्टी सोल, उसके बाद है एनडी सोल, ठीक है ना। इसको आप बक्से में लिख लो जो जो इम्पोर्टेंट है। अब ये क्या है, ये क्या चीज़ है, ये देखो, जब लैक ऑफ ऑरिजिन मतलब जो ऑरिजिन हो वो बहुत ही एक एक ही लेयर है, समझो एक ही लेयर है, मतलब इसमें लिखूंगा लैक ऑफ ऑरिजन्स एंड रीसेंट एकुमुलेशन, मतलब ये अभी अभी एकुमुलेट हुई है, मतलब उसकी एक ही लेयर बनी है, ठीक है ना, मतलब पता चल चल रहा है। एक होता है कि बस एक दो ही लेयर बनी है या तीन लेयर बनी है, बहुत ही अभी बहुत ही वीक है, ये बोलेंगे, इसको बोलेंगे वीकली डेवलप ओरिजिन, ठीक है। एक क्या होती है, देखो देखो गाइस ये क्या है, ये भी वीकली डेवलप्ड है, बस कि जो पेरेंट है ना, मतलब जो इसके जो पेरेंट रॉक है, पेरेंट रॉक मतलब जो बहुत बहुत पुरानी है, वो कैसी है, वॉल्केनिक है गाइस, नोट डाउन करना ये वाली है। ये जो डायग्राम है ये मेरी खुद की सोच है, ये आपको कहीं ऐसे डायग्राम बना के नहीं मतलब समझाएगा नहीं कोई, ठीक है ना। इसमें भी ये लिख लो वीकली डेवलप ओरिजिन प्लस वॉल्केनिक पेरेंट, ठीक
गाइस, तो गाइस इतना समझ में आ गया, एंटी सोल होती है उसमें लेयरिंग कम है, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा एक्यूमुलेशन होता है और इसमें इससे भी ज़्यादा एक्यूमुलेशन होता है। इतना तो समझ में आ गया होगा कि इसमें समझो एक लेयर है, इसमें तीन लेयर हैं, इसमें आठ नौ लेयर हैं, इतना तो समझ में आ गया। तो एंटी सोल, एंटी इंसेप्टी सोल और एंडी सोल आ गया समझ में, और ये हिस्टोसोल। तो मैंने दो टाइप से क्लासिफिकेशन कर दी, जो ऑर्गेनिक में अच्छी होती है उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोसोल, और जो डेवलप्ड ऑरिजिन के हिसाब से तीन और कर दी, ठीक है। एक और करूँगा जिसकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, इसको बोलेंगे थर्ड क्लासिफिकेशन। गाइस नोट डाउन करना, फर्स्ट ये थी, सेकंड ये है, थर्ड वाली अलग करके दिखा रहा हूँ नेक्स्ट पेज में, क्योंकि यहाँ आ नहीं रही। थर्ड पहला हो गया ऑक्सी सोल, ये हो गया फिर वर्टी सोल, फिर हो गया एल्फी सोल, फिर हो गया स्पोडोसोल, फिर हो गया मॉली सोल, फिर हो गया एरिडो सोल। गाइज नोट डाउन करना, सारी बताऊंगा ये होती क्या है। ये थर्ड क्लास, ये लास्ट क्लासिफिकेशन है, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, इस टाइप की सॉइल नहीं पड़ी ना। हाँ इंटरनेशनल है, उन्होंने अपने हिसाब से नाम रख दिए, हमको रटवा रहे हैं, है ना। देखो यहाँ पे ओ ओ आ रहा है, इसके में भी ओल्ड आएगा, याद करने की ट्रिक। तो सबसे जो पुरानी सॉइल होती है, वेरी ओल्ड सॉइल इज नोन एज ऑक्सी सॉइल। हो गया याद, याद तो नहीं करना पड़ा, हो गया ना। ये होता है वर्टी सॉइल, वर्टी सॉइल याद रखना, क्ले क्ले ही क्ले होता है उसके अंदर, क्ले। अब ये कैसे याद रहेगा, वी सी, यार मेरे को तो ये मतलब एक दो याद रहेगा ना यार, ऑप्शन आते हैं वहाँ पे, ऐसे बोल देगा कि अगर आपने क्वेश्चन देखा हो सीडीएस में, ऐसे आता है ऑक्सी सॉल ऑर्गेनिक है ओल्ड है, तो यार पता चल रहा है ओ ओ मतलब। और जो वर्टी सॉल है फिर वो अपने आप मैच हो जाती है, सारे याद करने की जरूरत नहीं, कुछ कुछ याद हो जाएंगे ना ट्रिक से, और बाकी अपने आप हो जाते हैं, है ना। तो ये हो गया याद, इसमें क्लियर टाइप का होता है, ठीक है। अब आती है एल्फिसोल, एल्फिसोल क्या होती है लिख लो इसमें, सॉइल ऑफ ह्यूमिड, इसमें ये ह्यूमिड होती है मतलब इसके अंदर नमी होती है, प्लस क्ले एकुमुलेशन होता है इसके अंदर, और हाई बेस होता है, बेसिक नेचर की होती है, हाई बेस स्टेटस बोल लो, ठीक है ना। इसमें जो स्पोडोसोल होती है ये क्या होती है, सॉइल ऑफ कोल्ड, कोल्ड होती है, ठीक है ना, और बस इतना याद रखना है इसके अंदर। और ये होती है जो मॉली सॉइल होती है, ये सेमी एरिड होती है, सेमी एरिड, ठीक है ना। और जो ये लास्ट वाली है इसको सॉल्ट बोलते हैं, इसके अंदर सॉल्ट होता है और प्लस ड्राई होती है, जैसे हमारी डेजर्ट वाली होती है ना, उसको एरिडो सॉल बोलते हैं, ठीक है। हो गया याद, अपने को ज़्यादा याद नहीं करने हैं। देखो मैं बता रहा हूँ कौन कौन से याद याद कर लो, एक तो ये याद कर लो, ऑक्सी सॉल क्या हो गया, ओ से ओल्ड, ठीक है, वर्टी सॉल हो गई क्ले, और एराइड वाली याद कर लो सॉल्ट वाली, और ये वाली याद कर लो मॉली सॉइल, ये सेमी एराइड होती है, मतलब आधी वो और आधी वो, सेमी मतलब आता है आधा, तो सेमी एराइड मतलब होता है मतलब आधी आधा नमक और आधा उपजाऊ, उस टाइप से, तो सेमी एराइड वाली सॉइल हो गई, ठीक है ना। तो ये वाली याद कर लो, ये वाली याद कर लो, ये बीच की दो याद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और पीछे कहाँ चले गए, हाँ ये रहा, इसमें हिस्टोसोल याद करनी इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों याद करनी है, एंटीसोल इंसेप्टिसोल और एंडीसोल, ठीक है ना। हो गया याद, अगर याद हो गया ना गाइस, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन और आता है, बता देता हूँ मैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी है और सबसे कम कौन सी है। तो इनसेप्टी सॉइल सबसे ज़्यादा है और सबसे कम कौन सी है, मॉली सॉइल। देखो इनसेप्टी सॉइल मैंने बताया था, कहाँ बताया था, देखो गाइस ये नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार आता है सीडीएस में, और अभी एग्जाम भी आ रखा है, देखो इनसेप्टी सॉइल आ रहा है ना, तो वीकली डेवलप्ड। तो इंडिया में अंदर जो भी, जैसे एलुवियल सॉइल है ना, जो गंगा प्लेन वाली है, उसको ये बोल सकते हो कि वो वीकली डेवलप है, उसमें एक दो लोअर लेयर हैं बस, ज़्यादा लेयर नहीं है, ठीक है ना, उसकी कोई पेरेंट रॉक नहीं है, है ना। इसलिए तो ये कितनी है हमारे पास, ये है 39.74%, परसेंट याद रखने की जरूरत नहीं, बट 40 के आसपास याद रख लो, 40% के आसपास क्या है, इनसेप्टी सॉइल है। और जो ये है क्या, मॉली सॉइल, मॉली सॉइल है 0.4%, ये कहाँ पाई जाती है, कोस्टल प्लेन्स पे, यहाँ पे इंडिया का ये मैप है, तो यहाँ कोस्ट, ये वाली मॉली सॉइल, ठीक है ना, दलदल वाली उस टाइप से, तो ये मॉली सॉइल हो गई, ठीक है गाइस, आ गया याद। तो ये दोनों आपको याद होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कौन सा है इंडिया में, सबसे कम कौन सा है। यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन आ सकता है, शायद अभी आया भी है, नहीं आया कुछ पता नहीं मेरे को, ठीक है ना, आ सकता है वैसे यहाँ से कुछ, ठीक है। अब चलते हैं अपनी वाली सॉइल पे, अपनी वाली मतलब जो पुराना वाला मेथड है, जो हमने हमने अपने खुद ने निकाली है, रेड ब्लैक, इंडिया में तो ऐसे ही नाम रखेंगे, क्योंकि इंडियन होते हैं देसी, है ना, देसी नाम है। देखो
इंडिया की पहली सॉइल का नाम है एलुवियल सॉइल। क्या है ये? कुछ नहीं है। देखो एलुवियल जो सॉइल होती है वे गंगा, जब गंगा वंगा का जो प्लेन्स है यहाँ पे बनती है। इसके पॉइंट याद रखना बस। क्या? ट्रांसपोर्टेड होती है, मतलब हमने माउंटेन से आ रही है तो ट्रांसपोर्टेड है, ठीक है ना। दूसरा वाइड स्प्रेड होती है, मतलब हर जगह फैली हुई है, ये बहुत ज़्यादा एरिया है, ठीक है ना, वाइड स्प्रेड है। दूसरी चीज़, अब खादर क्या होता है बांगर के, मतलब यला जो चीज़ है ये बता दूँ आपको। देखो कुछ नहीं होता, जैसे नदी बह रही है गाइस, बहुत ध्यान से देखना, ये कॉन्सेप्ट एक ही बार में याद हो जाएगा, खादर बांगर वाला सिस्टम जो है। तो गाइस पहले नदी यहाँ से बहती थी, समझो यहाँ से, अब नदी का पाथ छोटा हो गया। पहले नदी ऐसे बहती थी इस वाले एरिया से, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो उसने एक्यूमुलेशन करा, समझो यहाँ पे ऐसे मिट्टी इकट्ठा हो गई, ये पुरानी वाली मिट्टी। तो जो पुरानी वाली मिट्टी है ना, इसको क्या बोलते हैं? बांगर, ओल्ड, इतना तो याद रहेगा। और जो नई आती है ना, नई, इसको बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं? खादर। इसको बोलते हैं न्यू। तो जो जो पुरानी मिट्टी है उसको बांगर बोल दिया, जो नई मिट्टी है उसे खादर बोल दिया। इसमें पता नहीं बच्चे क्या क्या करते रहते हैं, इसको इसमें डाउट हो जाता है बच्चों को। जो बांगर है इसके अंदर कंकर्स पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पत्थर, इसको हम लोग कंकर नहीं बोल देते हिंदी में, उन्हीं को ऐसे लिख देते हैं कंकर्स। तो ऐसे आ जाएगा, कंकर्स आर फाउंड इन बांगर सॉइल। ऐसे स्टेटमेंट बना देती है यूपीएससी पागल बनाने के लिए, है ना। बस आगे चलें, आगे चलते हैं गाइस। कभी अगर अच्छे से पढ़ाऊंगा ना ये किस दिन, अभी तो मैं फटाफट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मज़ा आ जाएगा आपको कसम से। ब्लैक सॉइल इतनी डीप डीप नॉलेज है, बट क्या करें, अभी टाइम नहीं इतना कुछ भी एक्सप्लेन करने का, फटाफट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखो ब्लैक सॉइल के अंदर क्या होती है, कॉटन होती है, ब्लैक है और वाइट चीज़ दे रही है, कॉटन दे रही है, ठीक है ना। और अगर ये आ जाता है कि ब्लैक क्यों होती है, तो सीधा सीधा याद कर लें, फेरस मैग्नेट, टेटनी फेरस मैग्नेट। देखो ये एन है गाइस, गलती से एक्स लिख दिया, तो टेटनी फेरस मैग्नेट। तो आपको ये सिर्फ वर्ड याद रखना है कि इसकी वजह से सॉइल का रंग काला होता है, बस। ये क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, इसको नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या? टेटनी फेरस मैग्नाइट, ठीक है। अब आता है कि मतलब इसके अंदर क्या होती है, ये ब्लैक क्यों हो जाती है गाइस, ये सेल्फ फ्लोइंग होती है। सेल्फ फ्लोइंग क्यों हो जाती है, सेल्फ फ्लोइंग सॉइल क्यों बोलते हैं गाइस, थोड़ा ध्यान से देखना। इसको सेल्फ फ्लोइंग मतलब जो अपने आप बोने वाले सॉइल। क्यों? देखो गाइस होता क्या है कि अगर आपने देखा हो कि कोई फोटो के अंदर क्रैक देखे होंगे ग्राउंड के अंदर, तो हम सोचते हैं कि यहाँ पे ड्रॉट आ रखा है। वो जो एक पिक है, कैसे दिखाऊँ मैं अभी आपको, एक पिक है, दिखाता हूँ, देखो मैं अभी आपको इसमें दिखाता हूँ। देखो गाइस इसमें कौन सी इमेज खोलूँ मैं, ये वाली खोल देता हूँ आपको, ये दिख रही है वाली, ये चीज़ कैसे दिखाऊँ मैं आपको, ये हाँ, अब देखो आप, ये जो क्रैक दिख रहे हैं, ये वाली क्रैक। तो क्या चीज़ होती है, जब इसमें क्रैक आ गए समझो, ठीक है ना। तो अब क्या करता है किसान, पूरे इसके अंदर क्या गिर देता है, कॉटन के बीज गिर देता है, कॉटन के बीज गिरती है। उसके बाद क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है, तो ये क्रैक फिल हो जाते हैं पानी से। तो अपने आप, मतलब आदमी को इसकी खुदाई नहीं करनी पड़ी, है ना। तो अपने आप ही इसके अंदर से कॉटन हो गई, इसको बोलते हैं सेल्फ फ्लोइंग। फ्लोइंग का मतलब होता है खुद ही अपने आप खेती हो गई, समझ रहे हो जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो समझ गए ना। तो यही आपको बस ये दिखाना था फिगर, चलते हैं अपने मेन पेज पे। तो गाइस आपने मिरर देखा ना, वो मतलब वो देखी ना इमेज, देखी इमेज के अंदर क्या था, उसके अंदर बीज गिर दिए, वहीं से ही वो हो गई खेती, है ना, आगे ना समझ में। तो वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, तो इसको सेल्फ फ्लोइंग सॉइल बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाए सेल्फ फ्लोइंग सॉइल कौन सी है, तो ब्लैक सॉइल है, बच्चे गलत करके आएंगे, है ना, सब एलुविल मार के आएंगे कि वो ही हो जाती होगी। यार थोड़ा सा ना कॉन्सेप्चुअल, एक बार इमेज माइंड के अंदर बैठा होगा ना, तो सब याद हो जाएगा। इसके बाद आती है रेड सॉइल, ये कौन सी सॉइल है बताओ, इसका नाम रेड क्यों है, इसके अंदर रेड क्यों होती है, ठीक है। सबसे पहली बात, ये होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब मैंने रॉक्स आपको पता ही नहीं है ना, रॉक्स मैंने पढ़ाई भी नहीं है, लेकिन फिर भी अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब टाइम कम बच रहा है, याद कर लो कि मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, वरना तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर मैं अगर स्टार्टिंग से पढ़ाता तो। कोई बात नहीं, ये एक तो क्रिस्टलाइन नेचर की होती है, देखा हो अपने राजस्थान साइड में, रेड सॉइल जो होती है थोड़ी सी, इसमें ग्रेनाइट होता है, ग्नीस होता है, मतलब क्रिस्टल नेचर की होती है ना, क्रॉस ग्रेन्स, मतलब इसके अंदर मोटे मोटे से पत्थर पाए जाते हैं, क्रिस्टल क्रिस्टल टाइप, बस इतना याद रखो। इसके बारे में कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आगे चलते हैं। अब आता है लेटराइट सॉइल, ये क्या है कुछ नहीं है, ये ईंट देखिए, ईंट ब्रिक बोलते हैं जिसको, लाल से बनाता हूँ,
इमेज बनती है ना, देखो कोई भी आपने ईंट देखी होगी, घर बनते हैं यार ईंटों से, है ना, ईंट ब्रिक, तो वो इस वाली सॉइल की बनी होती है। ये क्या चीज़ होती है, ये ऐसे क्यों बन जाता है, इतनी इतना हार्ड पत्थर कैसे बन जाता है बताओ, ये सॉइल ही तो है, ब्रिक जो ब्रिक है ये सॉइल से तो बनी है, लेटराइट सॉइल से। ये कैसे बनेगा, देखो समझो ये पहाड़ है कोई, मैं एक साइड बना रहा हूँ एक साइड नहीं बना रहा, ठीक है ना, पहाड़ है यहाँ पे, बादल हो गए, कलरफुल बनाऊँ लेकिन वो ये ना टाइम कम है, ये हो गए बादल, हो गए बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। और अब क्या हुआ, जब बारिश हुई तो सॉइल के अंदर आयरन होता है, आयरन को Fe लिखते हैं और एल्यूमिनियम को Al लिखते हैं, इतना तो पता होगा, नहीं पता कोई बात नहीं बता रहा हूँ। Fe का मतलब आयरन होता है, Al का मतलब एल्यूमिनियम होता है। तो क्या चीज़ होती है, लीचिंग हो जाती है, लीचिंग का मतलब ये अंदर घुस जाते हैं, यहीं पर इकट्ठा हो जाएंगे, पत्थर सा बन जाएगा, इसको बोलते हैं लीचिंग। लीचिंग लीचिंग का मतलब होता है जो मिनरल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं पानी की वजह से, है ना, लीचिंग, और सब बह जाएगा, मिट्टी बह जाएगी, तो आयरन और एल्यूमिनियम टाइट हो जाएंगे, तो उससे क्या बन जाएगी, ईंट बन जाएगी, ब्रिक। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, लेटरल मतलब लेटराइट सॉइल के अंदर लीचिंग प्रोसेस होता है और उससे क्या बन जाती है हमारी, ब्रिक। गाइज अगर समझ में आ गया ना ये लो कॉन्सेप्ट, तो मज़ा आ रहे होंगे आपको, कसम से मज़ा आ रहा होगा, है ना, आ रहा है, आगे चलें, ठीक है। लेक्चर भी बहुत बड़ा हो गया, अपलोडिंग करने में ना ऐसी तैसी हो जाती है। अब आ जाता है एराइड, एराइड सॉइल, एराइड सॉइल कहाँ पाई जाती है, जो डेजर्ट सॉइल, मतलब याद रखो वो रेगिस्तान वाली डेजर्ट सॉइल, ठीक है। ये क्या होती है, एवोपरेशन हो जाता है, एवोपरेशन हो जाएगा तो सॉल्ट सॉल्ट बच जाएगा, सॉल्ट क्या बन जाएगा, सरफेस पे आएगा, कम ऑन सरफेस, सरफेस पे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, कंकर बन जाएंगे, कंकर्स। नया सुन, मैं दोबारा से बताता हूँ, ये हो गया आपकी रेत, मतलब वो थी, तो क्या होगा, एवोपरेशन हो गया, सारा पानी उड़ गया, तो क्या होता है, पानी के साथ साथ ना नीचे से मिनरल्स भी आ जाते हैं। इमेज कैसे दिखाऊँ मैं आपको, ये तो दिक्कत हो रही है यहाँ पे, देखो बना देता हूँ मैं, ये आपकी हो गई मिट्टी, ये लेयर बना दी, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, एवोपरेशन हो रहा है, एवोपरेशन हो रहा है, तो अब क्या हुआ, नीचे नीचे यहाँ पे वो होते हैं क्या, मिनरल्स वगैरह, तो जो एवोपरेशन के साथ ये भी ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे, है ना, तो ये क्या बन जाते हैं, कंकर्स बन जाते हैं। आगे सुन, मैं इतना तो आ गया, तो ये मैंने लाइन डायग्राम में समझा दिया, अगर समझ में आ गया हो तो। गाइस लगा मज़ा आ रहा है ना, तो लाइक करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएंगे, मैं एकदम लास्ट टाइम पे एकदम वो दे रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र बोल लो इन्हें, ठीक है ना, पढ़ के जरूर जाना, इन सबको छोड़ना मत, कुछ भी देख भी लोगे ना याद आएगी एग्जाम टाइम पे, कि भाई हाँ बंदे ने पढ़ाया तो सही था, ठीक है ना। अब चलते हैं हम आगे, ठीक है, अब आएगी मार्शी सॉइल। मार्शी सॉइल क्या होती है, मार्शी का मतलब होता है दलदल, दल दली, दलदली मतलब जो दलदल टाइप होती है ना सॉइल, वो इसमें क्या क्या होता है, जूट कल्टीवेशन होता है। गाइस जो जो बता रहा हूँ सिर्फ यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा मतलब वो करने की जरूरत नहीं है। जूट कल्टीवेशन होता है, बहुत ही ह्यूमस होता है इसके अंदर, और ह्यूमस होता है इसकी वजह से ये ब्लैक हो जाती है। तो अगर ये बोलेगी कि ये जो सॉइल है मार्सी वाली सॉइल, ये दलदली वाली सॉइल ब्लैक होती है, ब्लैक सॉइल की वजह से, नहीं, क्यों, ह्यूमस की वजह से, ये वाला क्वेश्चन आ रखा है, इसलिए मैंने लिख दिया ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलें, एक लास्ट है सेलाइन। सेलाइन एक सॉइल का टाइप है, लेकिन ये एक मैं इसको प्रॉब्लम मानता हूँ। प्रॉब्लम क्यों है ये, देखो क्योंकि हमने क्या करा, एक ही चीज़ बोते हैं हमेशा खेत के अंदर, मोनो मोनो कल्टीवेशन बोलते हैं, मोनो एग्रीकल्चर बोल लो अब, या मोनो कल्टीवेशन। तो हम क्या कर देते हैं, फर्टिलाइजर डाल डाल के, डाल डाल के, डाल डाल के, ऐसे खेत है, खेत के अंदर हमने फर्टिलाइजर डाला 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 डाला, मतलब उसकी फर्टिलिटी क्या कर दी हमने, जीरो कर दी, समझ रहे हो, तो उसको सेलाइन हो जाती है। लेकिन ये सॉइल का टाइप है, लेकिन मैं इसको प्रॉब्लम मानता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉब्लम ही है यार ये। अब कोई इसको सेलाइन को टाइप बता रहे हैं, मतलब इंडिया वाले, सेलाइन कोई टाइप है ही नहीं, मेरे को लगती है प्रॉब्लम है यार, हम लोगों ने तो करी है ना सेलाइन, अपने आप तो थी नहीं कोई ऐसी ज़मीन, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ लिया देखो, अगर किसी को एक बार में पढ़ना है ना, तो अभी देखो फटाफट लिख रहा हूँ, एक बार में रिवाइज हो जाएगा। सॉइल, सॉइल देखो, सॉइल हमने कौन कौन से पढ़ ली, हिस्टो सॉइल पढ़ ली, ठीक है, एंटी सोल पढ़ ली, इंसेप्टिसोल पढ़ ली, एंडिसोल, मैं बताना क्या था, ये ऑर्गेनिक वाली थी, ये वाली क्या थी, एक लेयर, ये क्या थी, दो लेयर, ये क्या थी, बहुत सारी लेयर, इंडिया में सबसे ज़्यादा ये वाली पाई जाती है, ठीक है, और वो सारी सॉइल। फिर हमने पढ़ी एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइल सॉइल। लेटराइल से क्या बनती हैं, ब्रिक बनती हैं, क्यों, क्योंकि Fe और एल्यूमिनियम पानी के अंदर लीचिंग प्रोसेस हो जाता है, तो वहीं पर ही वो जम के टाइट हो जाती है ना, इतनी हार्ड तभी तो बनी ना वो ब्रिक। फिर आती है एराइड सॉइल, फिर मैंने मेरी मार्शी सॉइल, फिर सेलाइन सॉइल, ये सब मैंने सब कुछ सॉइल बता दिया। तो मैंने आज बहुत कुछ पढ़ा दिया, वीडियो बहुत लंबी हो गई है,
अब इसको छोटा करने से पहले एक लास्ट टॉपिक और ख़त्म करके जाता हूँ, क्योंकि वीडियो छोड़ना मत। अब आता है क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है ना, ये क्या चीज़ है। क्रॉपिंग पैटर्न कुछ नहीं है गाइस, देखो एक होता है खारिफ, एक होता है राबी, एक होता है जैद। मैंने कैसे याद कर रखा है मैं बताता हूँ। देखो जो खारिफ है ना, इसमें मैं बादल बस याद रखता हूँ, तो बस ये एक ही, बस यही इमेज मेरे माइंड में रहती है इतनी, जितने मैंने आपके सामने बनाई है बस इतना ही मेरे को भी याद है। अब बोलोगे इसके बाद क्या करना है, देखो उसके आगे ना मैं खुद लिख लेता हूँ, खुद के नोट्स होते हैं ना तो याद रहता है, खुद के नोट्स बनाओ। खारिफ, खारिफ क्या है, पहली चीज़ रेनी, रेनी सीज़न, मानसून, इतना तो याद हो गया। राबी, उसके बाद मतलब उसके बाद विंटर आता है इंडिया के अंदर, इस तरीके से याद कर रखे मैंने। उसके बाद आता है समर, ये जैद के ऊपर सूरज बना लो, याद रहेगा, इतना तो याद रहेगा। तो विंटर के अंदर ठंड पड़ गई, ऑब्वियसली बात है। ये कब आता है, जून से अक्टूबर, ये कब आता है, अक्टूबर से मार्च, ये तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं मेरे ख्याल से, मार्च से लेकर जून, क्योंकि अंदाज़ा रहता है कि कब ठंड आएगी कब बारिश आएगी। अक्टूबर से लेकर मार्च तक ठंड पड़ती है कि नहीं पड़ती, खुद बताओ। और मार्च से लेकर जुलाई तक बिल्कुल एकदम, जब बोर्ड के पेपर ख़त्म हो जाते हैं मार्च में ट्वेल्थ वाले, तब क्या मतलब गर्मी पड़ती है तपत वाली, है ना, तो वो याद याद रहता है यार ये सब, सब रटने की कोई इस बात ही नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी क्रॉप आती हैं वो रटनी पड़ेंगी बस, क्योंकि हम किसान तो है नहीं, मतलब वैसे तो हम किसान ही हैं, बट होता है ना कि खेती नहीं करी तो याद कैसे रहेगा, जिसने करी उसको याद रहेगा। कॉटन, वैसे सभी लोग हमारे मेरे ख्याल से किसान से ही जुड़े हुए हैं, राइस, उसके बाद है ज्वार, ओए ज्वार और बाजरा। देखो ये मेरे को मैं कैसे याद रखता हूँ, बाजरा ज्वार राइस ये सब हम लोग ठंडियों में खाते हैं, तो हम लोग बरसात में उसको बो लेते हैं, मेरे को ऐसे ही याद रहता है कि हम इस टाइम ठंडियों में बाजरा की रोटी खाते हैं, ज्वार की रोटी खाते हैं। अगर आपको नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो आपको पता होगा कि ये सब हम खाते हैं, तो ये जब खाते हैं तब तो बोई नहीं जाएंगी ना, उससे पहले वही बोई जाएंगी ना, ताकि हम ठंडियों में उसको खा सकें, इस तरीके से ये सब याद रहता है। विंटर में हम क्या चीज़ खाते हैं, गेहूँ, तेल मतलब वो सनफ्लावर का जो वो होती है, और ग्राम, तो ये सब हम यहाँ इसमें खाते हैं। और जो हम बारिश के टाइम पे खाते हैं, मूंगफली खाते हैं बारिश के टाइम पे, ग्राउंड नट्स, वाटरमेलन और पम्पकिन, तो ये सब हम यहाँ इसके इसके टाइम पे खाते हैं, कहाँ पे, इस टाइम पे खाते हैं। मतलब हम लोग इतने चालू हैं कि एक सीज़न पहले ही बो देते हैं उसको, ताकि हम जब वो वाला सीज़न है तो वो चीज खा सकें, समझ रहे हो ना बात को, मतलब थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हो। लेकिन आजकल तो ऐसा है, इतनी मतलब एग्रीकल्चर के अंदर वो हो गया है कि कुछ भी कभी भी बोलो तुम, क्योंकि हम लोग साइंटिस्ट बन चुके हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, बहुत एडवांस हो चुके हैं। चाहे तो हम वीट गर्मी में के टाइम या बारिश के टाइम बो दें, इतने आजकल है यार ये सब, एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी वो आ गए हैं, ठीक है। तो हमें क्या मेन फंदा है, खारिफ, खारिफ के टाइम बारिश याद रखनी है, जैद के टाइम सूरज याद रखना है, रबी में ठंड पड़ गई, रबी में हम ठंडी के टाइम क्या क्या खाते हैं वो इस साइड लिख दो, बाजरा, राइस, रोटी, मतलब ये ज्वार, कॉटन, और जो इस टाइम खाते हैं उस टाइम, और ग्राउंड नट कब खाते हैं, मूंगफली, मतलब खाते तो अभी भी, लेकिन बरसात के टाइम मतलब थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं ना, उस टाइप से थोड़ा सा रिलेट कर लें, और ये याद हो गया। तो गाइस मैंने बहुत कुछ पढ़ाने की कोशिश करी और बहुत कुछ पढ़ा भी दिया है, थैंक यू, सब्सक्राइब करके जाना। हे गाइस वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो आज हम पढ़ेंगे कोपियन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, ये क्या चीज़ है, ये क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, इसका रीज़न क्या है। देखो गाइस CDS में लास्ट दो बार से या दो तीन साल से ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि कोपियन क्लासिफिकेशन क्वेश्चन, आपको मैं लास्ट में बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं एक स्क्रीन पे लगे बता दूंगा, ठीक है। CDS में हमेशा दो क्वेश्चन आ रहे हैं, दो, एक बार लास्ट ईयर दो आए थे और इससे पहले वाले में एक आया था, मतलब फिक्स है यहाँ से एक दो क्वेश्चन, ठीक है ना। तो गाइस छोटी सी वीडियो होगी, मतलब एक घंटे की तो होगी मैक्सिमम, जितना भी मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको पूरी देखना, मैं गारंटी बताता हूँ यहाँ से आपको इस बार भी पक्का क्वेश्चन आएगा CDS में, और आप याद रखोगे कि मतलब ये कोई पढ़ के नहीं जाता, ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि सब लोग छोड़ के जाते हैं, ठीक है ना, ना ही किसी ने आज तक कभी बताया होगा कि ये होता क्या है ना। देखो होता कुछ नहीं है, जैसे कि कोई भी एक बंदा मान लो एक्स, ठीक है ना, जैसे आप मेरे को ही मान लो, मेरा नाम गौरव है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि भैया मैं तो, जैसे कोल्ड क्लाइमेट होता है ना, ठंडी, जैसे कोल्ड कोल्ड क्लाइमेट है तो ठंडी को मैं बुलाऊँगा सी, और अगर हॉट है गर्मी है तो मैं बुलाऊँगा एच, ठीक है ना। मतलब मैं अपनी मर्जी से कोई भी नाम, जैसे ठंडी को बुलाऊंगा सी और गर्मी को बुलाऊंगा मैं एच, और अगर बारिश हो रही है तो मैं उसको बुलाऊंगा एफ, ठीक है ना। मतलब जो भी मेरी मर्जी होगी मैं उकर उसी के नाम से अपने वर्ड्स बना लूँ, तो उसी उसी ये बंदा वैसा ही है कुछ कॉपियन,
इसने क्या बोला, इसने अपनी क्लासिफिकेशन दे दी कि भैया इसको, इस वर्ड को अगर बारिश हो रही है तो इसको एफ ई बोलेंगे, ठीक है ना, मानसून हो रहा है तो, मतलब जो भी है, तो इसने एक एक पर्टिकुलर वर्ड दे दिया, ठीक है ना। अब फिर इंडिया में पूछ लेंगे कि इंडिया में, इंडिया जैसे इंडिया का मैप बना दूंगा मैं आपको पूरा बताऊंगा, एकदम मज़ा आएगा, ठीक है ना। इंडिया में मैं आपको सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टाइप दे रहा हूँ कि ये यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप में आते हैं। बोलेगा कि जम्मू कश्मीर में कौन सा होता है, तो ई। अब बोलोगे कि ई क्यों होता है, अब ई इसने टुंड्रा नाम दे दिया इसका, तो ये जो वर्ड्स हैं ये किसी ने पढ़ा नहीं आज तक, ठीक है ना। तो इतना डीपली पढ़ाऊंगा, इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कि एक बार में याद हो जाएगा, दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो शॉर्ट नोट्स बना लेना, ई क्या होता है, एफ क्या होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, ठीक है। चलें आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। देखो गाइस, डायग्राम पे मत जाना, कोशिश करूँगा साफ साफ बनाने की और साफ साफ लिखने की भी। ये हमारा हो गया अर्थ, ये हमारा हो गया इक्वेटर, ठीक है। तो इसने मेजरी लाइन बना लिया सही, कि एक यहाँ बना दी 30 डिग्री पे, एक थोड़ा उसके ऊपर बना दी, फिर एक और बना दी, ठीक है। तो अब इसने अलग अलग वो दे दिए नाम, कैसे, यहाँ पे इस वाले रीजन में इसने दो नाम दे दिए, एक ए दे दिया, एक दे दिया बी, ठीक है। यहाँ इस वाले रीजन को इसने नाम दे दिया सी, इस वाले रीजन को नाम दे दिया इसने डी। ए बी, देखो ए, ये बी है गाइस, अच्छे से लिख देता हूँ, बी, ए बी, इसको हटा दिया, ठीक है, ए बी सी, फिर डी, फिर ई, मतलब इसने अपने नाम दे दिए, मतलब ये मानो कि ये अपनी पढ़ाई खुद ही करता था, अपने हिसाब से चलता था, है ना। तो ऐसा बंदा है ये। तो अब ये क्या चीज़ है भाई, इसने ए क्यों दे दिया, बी क्यों दे दिया, सी क्यों दे दिया, डी क्यों दे दिया। देखो लाल पेन लेता हूँ। देखो गाइस, ए का मतलब है, इसने ए का नाम दे दिया मेगा, मेगा थर्म, मेगा मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है भैया इस वाले रीजन में, क्योंकि इक्वेटर के पास है सूरज, जो है डायरेक्ट सूरज मामा इधर ही पड़ते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है ना। ए का मतलब हो गया मेगा। बी का मतलब इसने दे दिया ड्राई, बोल लो ड्राई मतलब सूखा रहता है, ड्राई बोल लो, ठीक है ना, ड्राई बोल सकते हो आप इसको, ड्राई बोल लो, ठीक है। ए का इसने नाम दे दिया मेगा, बी को बोल दिया ड्राई, सी का नाम क्या दे दिया इसने, मीजो, मीजोथर्म, डी का नाम क्या दे दिया इसने, माइक्रो, और ई का नाम क्या दे दिया इसने, टुंड्रा, टुंड्रा, टुंड्रा का मतलब होती है ठंडी पड़ रही है भैया, है ना, ठंडी, यहाँ पे पोल के साइड में बिल्कुल एकदम ठंडा हो जाता है ना, टुंड्रा। तो इसने नाम दे दिया इसको टुंड्रा, मतलब अपनी मर्जी के नाम दे दिए इसने, अपनी भाषा के नाम, ठीक है। मतलब अगर हम लोग होते तो ए को क्या बोलते, भैया तपत पड़ रही है, गर्मी हो रही है, बी में क्या बोलेंगे, भैया बिल्कुल सूखा है, रेगिस्तान है, है ना। तो हम जो अपने हिसाब से इसने अपने नाम दे दिए, ये मान लो कोपिन एक ऐसा बनता है, वो अपने नाम अपने हिसाब से देके चला गया, तो उसको हम कोपिन क्लासिफिकेशन बोल दिया, क्योंकि वो उस साइड का था तो हमें उसका पढ़ना पड़ रहा है, बस ये फंडे, ठीक है। देखो अब ए क्या है, बी क्या है, मेरे को यहाँ लिखूंगा का, इस नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सब नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, और ई क्या है। देखो जो याद करने वाले हैं वो मैं इधर लिखूंगा, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, छोड़ो आप 2x पे देखना गाइस, बहुत जल्दी जल्दी आपको, मैं आपका एक भी मिनट टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। देखो इसने इसको बोला ट्रॉपिकल मॉइस्ट क्लाइमेट, ठीक है, मतलब यहाँ पे मॉइस्चर टाइप रहता है, क्योंकि इक्वेटर के पास है तो बारिश भी होती रहेगी और गर्मी भी पड़ती रहेगी, मतलब जैसे गर्मी होगी एवोपरेशन होगा, गर्मी जैसे गर्मी हुई सूरज आई, गर्मी हुई एवोपरेशन हुआ, बादल बने, बारिश हो गई, तो मॉइस्ट टाइप रहता है, मॉइस्चर रहता है, यहाँ पे चिपचिपापन रहता है इक्वेटर के पास। इमेज क्या रखना माइंड के अंदर, ये वाली जो बनाई थी अभी, ये माइंड के अंदर रखना, कौन सा ए है, कौन सा बी है, कौन सा डी है, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा ना, देखना किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। हाँ चलो, बी क्या बता दिया मैंने, ड्राई क्लाइमेट बताया था मैंने, ड्राई क्लाइमेट, क्लाइमेट, ठीक है। सी क्या बताया मैंने, सी मतलब ये बोल सकते हो कि मिड, मतलब बीच का है ना, मिडिल बोल सकते हो आप, या फिर बोल सकते हो उसको मिड, मिड मिडल विंटर टाइप, ठीक है ना, मतलब थोड़ी थोड़ी ठंड भी होती है, थोड़ी थोड़ी गर्मी, ठीक है ना, उस टाइप से, और बस, ठीक है। और यहाँ पे होती है कोल्ड, कोल्ड, कोल्ड विंटर, मतलब ये हो गया मिड विंटर, मतलब यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर होता है, एकदम कोल्ड, बिल्कुल ठंडी, ठीक है ना। और ये होता है पोलार क्लाइमेट, पोलार मतलब पोल्स के ऊपर, जो पोल्स के ऊपर क्लाइमेट होता है। गाइस नोट डाउन करते रहना बिल्कुल डिट्टो, ठीक है ना, जो जो बोलता जा रहा हूँ। और मैंने इसका नाम क्या बताया था, इसके नाम भी याद होने चाहिए, मेगा, लेकिन मतलब जो चीज़ बता रहा हूँ बस वो याद रखना, मीजो, मेगा, मीजो, ये क्या होता है, माइक्रो,
ये सॉरी गाइस, एक गलती हो गई। बताओ क्या, बी तो ड्राई था ना यार, गलती हो गई, सॉरी। ये ड्राई है, बी वाला ड्राई है गाइस, ये याद रखना, बी वाला ड्राई है, ठीक है, बी अलग ही है। उसके बाद फिर से ब्लैक से लिखते हैं, मेगा, फिर आ गया मीजो, फिर आ गया माइक्रो, माइक्रो ठीक है, उसके बाद क्या हो गया टुंड्रा, क्या बोलते हैं इसको, टुंड्रा, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया कि पोलार है, लो विंटर है। इसका असलियत में नाम जो जो उसने दिए थे वो ये दिए थे, किसने, कोपियन ने, तो हमें ये वाले याद रखने। ये तो बस मैंने इसको क्लासीफाई कर दिया, बता दिया, इसी है गाइस, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे क्या होता है, 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 ये नोट डाउन हो गया, आगे चले, ठीक है गाइज। एक चीज़ और याद रखना कि यहाँ पे सारे के सारे जो कैपिटल हैं, ए भी कैपिटल है, बी भी कैपिटल है, सी भी कैपिटल है, डी भी और ई भी। अब मैं बताऊंगा स्मॉल वाले, ठीक है। अब इसने छोटे वर्ड दे दिए, एक एफ दे दिया, एक दे दिया एम। एफ का मतलब इसने बोला बारिश। गाइज जैसे मैं बना रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे नोट्स बना लो, क्योंकि बहुत फिक्स क्वेश्चन है यार, तो छोड़ के किस लिए जाना टॉपिक, है ना, ये वाले मेरे बात है बस। देखो एफ का मतलब होता है बारिश, लिख लो यहाँ पे, थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल बारिश होती है। और ब्रैकेट में इसने इसका नाम क्या दिया था, इसने इसका नाम दिया था नो ड्राई सीजन, ठीक है। और एम, एम का मतलब होता है मानसून, मतलब पूरे साल बारिश नहीं होगी, सिर्फ मानसूनिक रेनफॉल होगी, ठीक है गाइस। ये हो गए दोनों, एफ और एम। कैपिटल नहीं है, स्मॉल है, ध्यान रखना ये वाली चीज़, कैपिटल नहीं है, स्मॉल है। एक आता है एस, एक आता है डब्लू, ठीक है। एस का मतलब होता है समर ड्राई, समर ड्राई। गाइज अभी बस आप सुनते जाओ कि हाँ ये क्या चीज़ है, जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा बहुत आसान होंगे, ये बस ना थोड़ा सा ऐसे ही है, क्या बोलते हैं उसको, हैफेजार्ड वे में पढ़ाया उसने, उसने पढ़ा के गया है, हम तो बस पढ़ रहे हैं उसकी पढ़ाई, ठीक है ना, ये बस मान लो। तो ये एफ हो गया, ये एम हो गया, ये एस हो गया, ये डब्ल्यू हो गया। डब्ल्यू क्या है, विंटर ड्राई, इसका मतलब है विंटर में बारिश नहीं होगी, विंटर में बारिश नहीं होगी, समर में बारिश नहीं होगी, इतना तो पता चल रहा है ना। ड्राई का मतलब सूखा, समर में, समर ड्राई तो छोटा है, विंटर ड्राई मतलब छोटा डब्लू, इतना आगे सुन में, ठीक है आगे चलते हैं। उसके बाद अब आता है गाइस टेम्परेचर, इसने टेम्परेचर को भी डिवाइड कर दिया। बताओ अगर छोटा ए लिखा है, बी, सी और डी, इसका मतलब है टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, छोटे वाले ए का मतलब, और छोटे वाले डी का मतलब है टेम्परेचर बहुत ही कम है, ठीक है, इतना आगे सुन में गाइस, इतना आ गया ना। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, देखो अब इसने कैसे नेमिंग कैसे करी, देखो ए, ए क्या था, ट्रॉपिकल था, ट्रॉपिकल मतलब जो कि इक्वेटर, मतलब ये वाला रीजन ए था, ए भी आ रहा था इसमें, बी भी आ रहा था, है ना, इतना तो याद है, ठीक है ना। अब ए के अंदर अगर मैं ए एफ लिख दूं, इसका मतलब क्या है, ए एम लिख दूं, इसका मतलब क्या है, और ए डब्ल्यू लिख दूं, इसका मतलब क्या है, चलो इसका मतलब बता दो मेरे को, खुद ही सोचना। एफ का मतलब क्या था, बारिश हो रही है, तो मैं इसका मतलब है ट्रॉपिकल वेट, एफ का मतलब बारिश हो रही थी ना, है ना, और ए एम का मतलब है ट्रॉपिकल मानसून, आगे सुन में, ट्रॉपिकल मानसून, और ए डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब क्या था, विंटर प्लस वेट, है ना, विंटर ड्राई था ना, सॉरी डब्ल्यू का मतलब क्या था, विंटर ड्राई, इतना तो याद होगा, विंटर ड्राई थी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल है, विंटर है, विंटर भी लिख दो या फिर लिख दो वेट, क्योंकि गीला है और प्लस ड्राई भी है ना गाइस। मतलब इसने इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर दिया, ए एफ, ए एम, ए एम डब्ल्यू। अब हम इंडिया के हिसाब से पढ़ेंगे कि इंडिया में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, आ रहा है सुन में, ए का आगे सुन में। अब मैं एक बार सी का और बता देता हूँ, देखो गाइस आपको लग रहा होगा ये क्या पढ़ रहे हैं, मैं मैप में इसको बताऊंगा, मैपिंग के साथ याद हो जाएगा ये आपको, अभी बस आप देखते जाओ। अब देखो सी, अब इसमें सी के भी दो क्लासिफिकेशन हो गए, एक हो गया सी एफ ए, एक हो गया सी एफ बी। अब इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, पहले तो मेरे को बताओ सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है मीजोथम, इतना तो याद होगा, याद है ना। अब चलते हैं आगे, देखो गाइस सी का मैंने मतलब बताया था आपको, सी कहाँ पे होता है,
ये वाला रीजन होता है सी, क्योंकि यह ए आ गया, यहाँ बी आ गया, ये वाला हो गया सी रीजन, ये वाला रीजन यहाँ पे और फिर ये वाला रीजन यहाँ पे, ये दोनों रीजन हो गए आपके सी। इतना तो पता चल गया कि ये वाला सी रीजन है। एफ का मतलब क्या बताया था मैंने, बारिश हो रही है। और ए का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा है ना। और बी का मतलब है थोड़ा सा टेम्परेचर कम है। समझ गए आप, मतलब यहाँ पे मैंने ए और बी का मतलब बताने की कोशिश करी आप, मतलब बारिश हो रही है लेकिन टेम्परेचर क्या है, हाई है। यहाँ पे क्या रहेगा, टेम्परेचर क्या है, लो है। मतलब अगर आप समझ पा रहे हो, मतलब इस तरीके से इसने बस क्लासिफिकेशन करी है। अब अभी बस मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी कुछ आपको ये सब याद नहीं करना। ये नहीं बोल रहा मैं आप ये सब रट लो बैठ के, रटने के लिए जो बोला है केवल इतना बोला है, ये वाली चीज़ याद होनी चाहिए और ये वाली चीज़ याद होनी चाहिए और ये टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट, बस। टेम्परेचर वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ए में ज़्यादा टेम्परेचर होगा और डी के अंदर टेम्परेचर कम होगा, ए बी सी डी स्मॉल में, ठीक है। आगे चलते हैं गाइज, मैंने आपको बताया था कि जो बी होता है ये क्या होता है, ड्राई होता है, बताया था मैंने, ठीक है। देखो गाइज, बी का स्पेशल केस है इसलिए मैं इसको अलग से बता रहा हूँ। बी के अंदर दो चीज़ आपको और याद रखनी है, एराइड डेजर्ट, एक होता है सेमी सेमी एराइड डेजर्ट, ग्रासलैंड बोल लो या डेजर्ट बोल लो एक ही बात है, ग्रासलैंड, ठीक है। देखो गाइज होता क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, अच्छे से बना रहा हूँ ताकि आपको ये माइंड में छपे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से, ये कैसे याद रहेगा, देखो ग्रासलैंड में एस एस आ रहा है तो यहाँ पे ऐसा आएगा, और ये डेजर्ट को डब्ल्यू से करते हैं, इतना तो याद रहेगा, है ना। देखो सेमी एराइड मतलब आधा ग्रास, मतलब आधा ग्रासलैंड है और आधा डेजर्ट है, ये पूरा डेजर्ट है, इतना तो याद हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर देखो अगर मैं बी को ऐसे लिखता हूँ, बी डब्ल्यू एच, एक लिखता हूँ बी डब्ल्यू के, छोटा ए के, छोटा के, इसको लिखता हूँ बी एस छोटा एच, इसको लिखता हूँ बी एस छोटा के। अब गाइज ये एस और के क्या है, सॉरी एच, ये एच आ गया ना, और एच और के क्या है ये मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि ये बी के अंदर स्पेशल केस आता है इसलिए मैं अलग से बता रहा हूँ। देखो ये वाला रीजन होगा ना, ये वाला इक्वेटर के पास वाला, इसको बोलेंगे एच, ठीक है। और अगर जो ये वाला होता है, ये वाला रीजन रीजन होगा, ये वाला और ये वाला, इसको बोलेंगे के। क्यों, देखो लाल पेन लेता हूँ, एच वाले को क्या बोलते हैं, ये तो याद रहेगा, यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन होता है, ये एच वाला हो गया ट्रॉपिकल। के वाले को क्या बोलेंगे, टेम्परेट, रहेगा याद, ठीक है। देखो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया और ये क्या हो गया, मतलब इसको क्या बुलाएंगे, इसको क्या बुलाएंगे, इसको क्या बुलाएंगे, इसको क्या बुलाएंगे। गाइज टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सोच रहे होगे कि यार ये सब इतना टफ हो गया है, ये सब याद कैसे होगा। गाइज अगर कुछ करना है तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा टफ भी पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। थोड़ा ये टफ टॉपिक में आता है लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। देखो बी डब्ल्यू एच, डब्ल्यू यहाँ पे कैपिटल में, इतना तो दिया, तो इसको बोलेंगे सब ट्रॉपिकल। देखो एच का मतलब क्या है, ट्रॉपिकल है, ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, ठीक है। ये के है, यहाँ के लिखेंगे मिड ट्रॉपिक्स, मिड ट्रॉपिक्स मतलब बीच में आ रहा है ना, ये रहा मिड, मिड में आ रहा है ये भी, तो मिड ट्रॉपिक डेजर्ट। गाइज नोट डाउन करते रहना है सब। बी एस एच, अब इसको क्या लिखेंगे, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, बताना सबसे अच्छा ग्रासलैंड कौन सा है, स्टेपीज है ना, स्टेपीज, तो स्टेपीज लिख लो। वैसे ही यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिड लैटिट्यूड या मिड ट्रॉपिकल स्टेपीज, हो गया याद। मतलब ये अब आपको मैं डायरेक्ट अगर ये रटवाने बैठता मैं, जो कुछ टीचर करते हैं, तो आपको एक घंटा याद नहीं होता, लेकिन अब कुछ तो आप माइंड में इमेज बन गई कि हाँ भाई बी का मतलब डेजर्ट होता है, यहाँ पे भी ये डेजर्ट ही है लेकिन आधा है, मतलब सेमी एरिड है, सेमी मतलब होता है आधा, आधा ग्रासलैंड और आधा डेजर्ट, है ना। आगे समझ में तो गाइस अगर आपको ये समझ में आ गया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट जरूर करना। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास नहीं हो रही है ये, ठीक है। चलते हैं आगे, देखो गाइस जो कोपियन था ना, अब मैं इसकी सारी क्लासिफिकेशन उसके नाम लिख रहा हूँ, कॉपियन था, इसने ना कई सारे नाम दे दिए, ठीक है ना। अब मैं सारे लिखूंगा, कितने 14 क्लासिफिकेशन करी इसने, पहली करी
AMW। यह एक काम करता हूँ, मैं पहले आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, तो आपके आपके इमेज इमेज बन जाए, ठीक है ना। दिखाता हूँ, रुको। तो ये देखो गाइज, विच आर द फॉलोइंग, ये CDS का क्वेश्चन है 2020 का सेकंड का, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेट द ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। देखो कुछ नहीं था, ट्रॉपिकल मैंने आपको बताया था, तो ट्रॉपिकल होता है वो ए में होता है, यहाँ ई वाला रीजन ट्रॉपिकल वाला होता है, मैंने अभी भी बताया आपको, ठीक है ना। तो या तो ए वाला आंसर होगा, तो ये आंसर होगा, या तो फिर ये आंसर होगा। एम से क्या होता है, मानसून होता है, इतना तो पता चला आपको। तो ये ट्रॉपिकल मानसून वाला क्लाइमेट होगा, तो ये तो होगा नहीं, तो ये आंसर हो गया था। मतलब इतना आसान था कि डी तो नहीं होगा, जी सी भी नहीं होगा, मतलब ये इतना आसान आसान के टाइप के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और आप सोचते हो कि सिर्फ साइंस पढ़ लेते हैं हम, साइंस से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। यार साइंस के क्वेश्चन टफ आने लगेंगे, क्योंकि सब बच्चे साइंस पढ़ के जाने लगे हैं ना, तो कुछ अलग भी पढ़ के जाओ, ये पक्का क्वेश्चन आता है हमेशा, ठीक है ना। अब चलते हैं पीछे, जो चीज़ बता रहा था मैं, दूसरा है बस बस इसमें यही तो रख रहे ना, AS हो गया, उसके बाद हो गया AW, बस A के तो इसने तीन ही बताए हैं। देखो इसके नाम साइड बाय साइड में लिखता हुआ चलता हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। AMW क्या होगा बताओ, ट्रॉपिकल, ठीक है ना, ट्रॉपिकल तो होगा, प्लस मानसून होगा, मानसून टाइप, ठीक है। AS का मतलब है, बताओ यहाँ पे W का मतलब क्या आ रहा है, छोटा वाला W है ना, तो विंटर होगा, इतना तो बता लिया, प्लस विंटर, ठीक है। इसका बताओ A क्या हो गया, ट्रॉपिकल हो गया, ठीक है। प्लस S से क्या बताया था मैंने, छोटा वाला ऐसे ना, ये छोटा वाला ऐसे मतलब समर ड्राई, प्लस समर ड्राई। AW इसके लिए क्या बताया मैंने, ट्रॉपिकल तो होगा, प्लस देखो W से क्या बताया मैंने, विंटर होगा, ड्राई होगा, लेकिन इसको सवाना बोल देते हैं, सवाना, तो ट्रॉपिकल सवाना, ये वाला ही क्वेश्चन आया था CDS में, इसको AS, मतलब ये आपको याद करने पड़ेंगे। अब आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है। क्या दे दिया मैंने आपको, कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, तो अब ये आपको ये पता चलेगा कि A से तो ट्रॉपिकल हो गया, M से हो गया मानसून, S से हो गया समर ड्राई, W से हो गया विंटर, विंटर को सवाना बोल देते हैं, मतलब क्योंकि वहाँ का ऐसा टाइम, मतलब जैसे कि समझो एक जगह विंटर ही पड़ती है, विंटर ड्राई, वो सवाना जगह है, तो इन्होंने इसको विंटर ड्राई को सवाना रिप्लेस कर दिया है ना, समझ रहे हो ना। तो इस ये उस सेंस में है कि सवाना एक जगह का नाम है, ठीक है, आगे चलें। चलिए येलो हो गया था क्वेश्चन, ये देखिए अब उसके बाद है BS, S कैपिटल है वाला, कैपिटल S, H, ये वाला मैंने बता दिया आपको, ठीक है, ये तो अभी बताया था, ये हो गया B, ये वाले B वाले तो मैंने सारे बता दिए, लेकिन BW कैपिटल है, ये W, फिर हो गया H, मतलब ये वाले तो हो गए, B वाले काट दो आप, क्योंकि B वाले मैंने सारे बता दिए। दिखाऊँ एक बार रिविज़न करवा देता हूँ B वाले, ये देखो कहाँ चले गए, ये वाले, ये रहे, ये गाइस बी के ये इतने ही हैं, बी डब्ल्यू एच, बी डब्ल्यू के, ये डब्ल्यू कैपिटल में लिखना है गाइस, ठीक है ना, अच्छे से, ये भी कैपिटल है डब्ल्यू, एच छोटा है, यहाँ पे के छोटा है, यहाँ पे एच छोटा है, यहाँ पे के छोटा है, एस कैपिटल है, इसलिए मैंने एस ऐसे बनाया था, देखो ऐसे ऐसे करके बनाया था, है ना, ये डब्ल्यू ऐसे करके इसलिए बनाया था ताकि वो याद रहे। तो बी के इतने ही हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। तो बी के हो गए, अब हम याद करेंगे सी के, हो जा, देखो अब हो गया सी डब्ल्यू, ये स्मॉल डब्ल्यू है, और हो गया जी। सी से क्या बताया था मैंने आपको, जो ये वाला रीजन था सी से, ये हो गया था ए, ये हो गया था बी, ये वाला सी, ये हो गया टेम्परेट रीजन, है ना। तो पहली चीज़ तो टेम्परेट हो गया, प्लस डब्ल्यू से क्या आता है, विंटर आता है ना, विंटर ड्राई, तो विंटर ड्राई लिख लो, विंटर ड्राई। और जी से क्या आता है, बस आपको ये याद रखना है, बस जी से कुछ है नहीं, मतलब अब आपको हर एक चीज़ एक एक चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने बताया उतने से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और जो लास्ट में आता है ई, बस ये वाली चीज़ बताना भूल गया मैं, ई का मतलब होता है टुंड्रा, टुंड्रा, इसको भी नोट डाउन कर लेना, अगले पेज पर बता देता हूँ अच्छे से, देखो चल जा, ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है ई, ई का मतलब होता है पोलर, पोलो या टुंड्रा, TUNDRA, टुंड्रा, टुंड्रा टाइप क्लाइमेट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इतना ET, इसकी या तो इसको ET लिख देते हैं, कैपिटल ई छोटा टी, या ई, एक ही बात है, ठीक है, ये इसका क्लासिफिकेशन है। अब मैं इंडिया का मैप बताऊंगा, इंडिया का मैप लेके आ रहा हूँ गाइस, इसमें इंडिया मैप, और उसमें बताऊंगा उसमें किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और आएंगे गाइस ये क्वेश्चंस, आप बोलोगे कि यार सही बता रहा था बाद में, लेकिन देखो
मैं मैप कैसे बनाऊँ, एक काम करता हूँ मैं मैप लेके आ जाता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड गाइस। तो गाइस इसको देखो, देखो ध्यान से, इंडिया का मैप है और ये कोपियन क्लासिफिकेशन मैंने किताब से उठा लिया कहीं से भी, ठीक है ना, इंटरनेट से। देखो ये जो इमेज है इसको ध्यान से देखना। अब इंडिया का देखो, इंडिया है ये रहा, पहले मैं मैप बना देता हूँ यहाँ पे अर्थ का। ये देखो अर्थ बन गया और यहाँ से जा रहा है, क्या जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि इंडिया के यहाँ से पास होता है, यहाँ से इस तरीके से यहाँ से पास हो जाता है, इतना तो पता है आपको, ठीक है। अब इसको ये तो पता चल गया कि इसके नीचे क्या होगा, ए होगा, इसके नीचे क्या होगा, ए होगा पूरा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, और बी भी हो सकता है इस वाले रीजन में, ए और बी था ना, याद है। हाँ तो देखो यहाँ पे बी है और बस। देखो गाइस अब बोलोगे कि यहाँ पे भी बी आ गया ऊपर, इसके ऊपर भी बी आ गया, क्योंकि ऐसा तो फिक्स नहीं है कि बस इधर इस वाले रीजन में ही होगा, है ना। तो बी मतलब डेजर्ट होता है, राजस्थान में भी बी आ गया, है ना। तो ए बी ये वाला तो कॉन्सेप्ट आ गया समझ में, कि ए से मतलब इसके नीचे नीचे, ऊपर तो ए कहीं नहीं है, उसके ऊपर क्या आता था सी, देखो उसके ऊपर क्या आ गया सी, तो यहाँ पूरा ये वाला रीजन आ गया सी, है ना। अब सबसे ऊपर क्या आता था टॉप में, लेकिन इंडिया के यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं ना, तो जहाँ पे पोल, पोल पे क्या पड़ती है, पड़ती है ठंड, और इंडिया के जम्मू कश्मीर वाले रीजन में क्या पड़ती है, बर्फ, ठंड। तो ये वाला और इसका क्लाइमेट और इसका क्लाइमेट एक सा हो गया, तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, ई, टुंड्रा, क्या दे दिया, टुंड्रा, ईटी। देखो ईटी का मतलब क्या है, टुंड्रा, ई का मतलब है पोल, है ना, ईटी बोल लो ईटी एक ही बात है, तो ये टुंड्रा हो गया, TUNDRA, टुंड्रा, ठीक है। और बस, और ये पूरा हो गया सी, ये वाला भी सी है, ये वाला भी सी है, इतना आगे समझ में, जो मैंने यहाँ इतनी देर से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो आपको समझ में आ गया तो आपको इंडिया के मैपिंग में समझ में आ गया होगा कि कौन सा रीजन क्या होता है, ठीक है गाइस। अब मैं मिटा रहा हूँ इसको एक बार और फिर मैं बताऊंगा। देखो देखो गाइस ये हो गया ई, देखो अब मैं जो जो बता रहा हूँ ऊपर से लेकर नीचे तक बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ से जारी वाली लाइन, ठीक है, ये हो गया ई टी, तो टी से हो गया टुंड्रा, तो ई टी। अब वो स्टेट पूछ लेगा, अगर इस टाइप में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, देखो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ लेगा जम्मू एंड कश्मीर रीजन में, मतलब इन विच, इंग्लिश में लिखूँ तो जम्मू कश्मीर रीजन हैव विच टाइप ऑफ कोपियन क्लाइमेट, फिर नीचे ऑप्शन दे देगा ई, दूसरा ऑप्शन देगा ए डब्ल्यू, तीसरा दे देगा ई एफ, ये दे देगा, उसके बाद दे देगा फोर्थ ए एस, इस तरीके से ऑप्शन दे देगा। तो आपको पता लगेगा ई एफ तो कुछ होता ही नहीं है, हमने पता है ई और ई टी होता है, दो दो ही होते हैं, और ए ए होता है ये वाला रीजन वाला, यहाँ वाला, तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये कुछ होता नहीं है, तो ये आंसर हो गया। मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए वो दो ऑप्शन देगा, ये वाली बात तो मैंने आपको बताई रखी है पहले से, अगर आपने चीट कोड वाली पिक्चर वो नहीं देखी है ना यूट्यूब वाली वीडियो, तो वो जाके आप पक्का से देखें चीट कोड वाली, उससे आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। एक बार मैं इसको मिटाता हूँ, ये देखो, तो हमें ई पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया। तो यहाँ पे देख सकते हो ई का मतलब है ई टी का मतलब है टी से टुंड्रा, ई ई का मतलब है पोलर, ये दोनों हो गए, ठीक है। अब मैं इंडियन क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, मतलब इंडिया को कोपियन से कंपैरिजन चल रहा है ये, आप ठीक है ना, ये नोट डाउन कर लेना, इंडिया को कोपियन से कंपेयर करके हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब बीच वाला रीजन पढ़ते हैं, इतना तो पता था आपको कि ये हो गया ए, यहाँ पे क्या आता है ए बी आता है, और ये वाला इसके बाद आता है सी, टेम्परेट वाला, ठीक है। तो ये हो गया सी, सी के बाद इन्होंने लिख रखा है छोटा डब्लू, फिर लिख रखा है जी, इसका मतलब क्या, देखो डब्लू का मतलब मैंने बताया था विंटर ड्राई, देखो क्या लिखा है, ड्राई विंटर आ रहा है ना, देखो यहाँ पे जहाँ पे मेरा एरो, ये देखो सी डब्ल्यू जी, डब्लू का मतलब मैंने बताया था विंटर ड्राई, विंटर ड्राई आ गया, और मानसून टाइप है ये, क्योंकि एम तो आ नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप, अब आपको ये तो याद रहेगा ना कि विंटर ड्राई है, आप क्वेश्चन करने लायक हो जाओगे गाइस। एक एक चीज़ आप याद नहीं कर सकते कि इसका कोड का ये, इस कोड का मतलब ये है, एग्जैक्ट ये याद नहीं होंगे, बट आप क्वेश्चन करने लायक हो गए हो, है ना, ये बता रहा हूँ। तो ये वाला हो गया, अब देखो राजस्थान वाले देखेंगे हम, ये वाले एक है बी एस एच डब्ल्यू, एक है बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, देखो इतना तो पता चला एस का मतलब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ग्रासलैंड है, यहाँ पे ये जोधपुर वाला रीजन हो गया थोड़ा सा, जोधपुर ये पंजाब थोड़ा सा आ गया, हरियाणा भी आ रहा है, तो और ये थोड़ा सा गुजरात आ रहा है, तो ये वाला जो रीजन है जो मैंने रेड से मार्क करा, यहाँ के अंदर थोड़ा थोड़ा ग्रासलैंड है, मतलब ये सेमी एरिड ग्रासलैंड है ना, इतना तो पता चल गया ना। और डब्ल्यू से क्या है, ये है कम्प्लीटली मतलब एरिड डेजर्ट है, ये पूरे डेजर्ट है, पूरे के पूरे डेजर्ट, कौन सा, बिल्कुल ये वाला, ये एकदम एंड वाला पार्ट है जो राजस्थान का,
अगर कोई राजस्थान का बच्चा है तो वो समझ पा रहा होगा कि राजस्थान का मतलब पूरा रेगिस्तान नहीं होता है, मतलब जो बाड़मेर वाला जो रीजन है, क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा आगे जाते हैं जोधपुर के आगे, तो यहाँ पे जो ये वाला रीजन है यही है केवल केवल जहाँ पे डेजर्ट की वो मिलते हैं देखने के लिए, यहाँ पे नहीं मिलते हैं जोधपुर साइड में, जयपुर साइड में वो नॉर्मल है ना। तो इतना तो पता चल गया होगा, ये वाला रीजन खत्म हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो हमारा ये सब हो गया, ये भी हो गया। अब देखेंगे ये वाला पार्ट, मिटाता हूँ इसको। तो देखो गाइस, हाँ ये देखो, ये है ए डब्ल्यू, छोटा है डब्ल्यू, ठीक है ना। ए का मतलब क्या हो गया, देखो ए डब्ल्यू कहाँ पर है, यहाँ पे ये रहा ट्रॉपिकल सवाना, ये क्वेश्चन आया था ना, ए डब्ल्यू विंटर, ये विंटर ड्राई होता है लेकिन इसको सवाना बोल देते हैं, तो ट्रॉपिकल सवाना टाइप हो गया। ये क्वेश्चन सीडीएस में आ रखा है, ठीक है, तो ये वाला हो गया। अभी तो क्वेश्चन में ये डब्ल्यू ये आया कि ट्रॉपिकल सवाना क्या बोलते हैं, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि जो ये साउथ इंडिया वाला, साउथ इंडिया ऐसे बोलेगा, साउथ इंडिया इफ़ वी कंपेयर कोपियन क्लासिफिकेशन विद द साउथ इंडिया देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू, तो ऑप्शन दे देगा ए डब्ल्यू, ए एस, ए जी, मतलब इस तरीके से ऑप्शन दे देगा। आपको पता चलेगा कि साउथ इंडिया में जो मेन है वो ये है, ये कोस्टल रीजन वाले अलग हैं, देखा कोस्टल में अलग है, क्योंकि देखो एस का मतलब क्या होता है, छोटे वाले एस का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था मानसून ड्राई, देखो यहाँ देखो मानसून है, देखो ए एस का देखो चल के नहीं रहा है, हाँ मानसून ड्राई है ए एस के अंदर, ठीक है ये रहा ए एस मानसून ड्राई है, और ए एम का मतलब है यहाँ पे मानसून रहेगा, एम का मतलब है मानसून रहेगा, देखो मानसून टाइप है ना। और यहाँ पे ये भीड़ वाला इलाका है थोड़ा सा, तो यहाँ पे भी वो हो गया, मतलब आप मैपिंग से क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं। मेरा मेन फंडा ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा का पूरा आ रहा है, तो लाइक करना गाइस, क्योंकि ये वाला टॉपिक बहुत टफ पड़ता है बच्चों के लिए, क्योंकि आज तक उन्होंने पढ़ा नहीं होता, लेकिन मैंने अपने बेस्ट एफर्ट दिए हैं ताकि आपको ये सब याद हो जाए, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। चलो तो अब आप, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। अगर मैं ये बोलूँ कि आप मेरे को बताओ कि इंडिया के नॉर्थ इंडिया में, क्वेश्चन है नॉर्थ इंडिया में कोपियन क्लासिफिकेशन के हिसाब से कौन सा होगा। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ इस, पहला ऑप्शन है ए डब्ल्यू, दूसरा ऑप्शन है ए एस, तीसरा ऑप्शन है ए एम डब्ल्यू, और चौथा ऑप्शन है सी डब्ल्यू जी। अब बताओ नॉर्थ इंडिया में, देखो कैसे, अब इसको क्वेश्चन को अगर नहीं आता समझो, आपको याद नहीं रह रहा तो बना सकते हो ना ऐसे करके, ऐसे करके इतना तो सब पता लगेगा कि जो नॉर्थ इंडिया है वो ऊपर आता है, क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया, देखो नॉर्थ इंडिया मैंने आपको बताया भी था लास्ट वाली वीडियो में, अब तो आप बनाना सीख गए होगे, तो यहाँ से पास होती है इन दोनों से, त्रिपुरा और मिजोरम से वाली लाइन पास होती है, कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इतना चल गया कि पूरा नॉर्थ इंडिया इसके ऊपर आता है, मतलब ए वाले रीजन में तो आता नहीं है, तो ए कट गया, ए कट गया, ए कट गया, तो सी आंसर हो गया, ये वाला आंसर हो गया सी वाला, है ना। भले आपको उसका नाम ना बताओ लेकिन आपने क्वेश्चन कर दिया ना, मेरा मेन फंडा यह है कि क्वेश्चन होना चाहिए एग्जाम में, है ना। चलते हैं आगे, चलो एक लास्ट क्वेश्चन मेरे को ये वाला बता दो, उसके बाद ये कमेंट में बताना गाइस, ठीक है ना। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है, अब जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, नहीं ये वाला नहीं पूछता, एक सेकंड रुकना, चलो कोई नहीं ये वाला ही बता दो आप, चल जा वेस्टर्न कोस्टल एरिया, इसको अगर हम वेस्टर्न कोस्टल एरिया को अगर हम कंपेयर करते हैं कोपियन क्लासिफिकेशन के हिसाब से, तो आप मेरे को बताना इसका आंसर, इसका आप आंसर कमेंट में लिख के बताएंगे। ए डब्ल्यू एम आएगा दूसरा, ए एस आएगा तीसरा, ए डब्ल्यू आएगा चौथा, ए डब्ल्यू जी आएगा। गाइज मेरे को इसका आंसर चाहिए, कमेंट के अंदर लिख के बताना इसमें से इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। थैंक यू गाइज, गाइज लाइक करना, सब्सक्राइब भी करके जाना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, ठीक है, थैंक यू।